पान, गुटका, पान मसाला सब जानलेवा है। मैं कभी कभी सोचता हूँ कि ये सिगरेट या बीड़ी पीने का क्या परिणाम होगा? क्या ये मेरे स्ट्रोक का कारण बन जाएगा जो मुझे अपने परिवार पर बोझ बना देगा? क्या ये मेरे फेफड़ों के कैंसर का कारण बन जाएगा? क्या ये मुझे मुंह के कैंसर या हृदय रोग या एम्फिजमा का कारण बनेगा? अगली बार जब आप सिगरेट या बीड़ी पीने की सोचें तो खुद से पूछें, ये सिगरेट या बीड़ी पीने का क्या परिणाम होगा? टोबैको यूज लीड्स टू कैंसर, हार्ट अटैक्स, लंग डिसऑर्डर्स एंड अदर डेडली डिजीजेस। The characters shown in this film or program do not support the use of any type of tobacco products such as bidi, cigarettes, khaini, zarda, etc. or their promotion in any manner. YouTube पर अपलोड की जाती है, YouTube वाले इसे हटा देते हैं, क्योंकि मैंने भी इसे अपलोड किया था और जैसे ही मैंने इसे अपलोड किया YouTube वालों ने इसे हटा दिया। वह इसलिए हटा देते हैं क्योंकि जो लोग यानी जो कंपनियां इस मूवी की मालिक हैं वो जो है इसे YouTube पर अपलोड करने की परमिशन नहीं दे रही हैं। इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न ये है क्योंकि वे लोग इस मूवी को अभी भी पैसे लेकर दिखा रहे हैं। तो अगर आप इस मूवी को फुल देखना चाहते हैं तो भाई आपको पैसे तो खर्च करना ही पड़ेगा। आप इसके YouTube पर छोटे मोटे पार्ट भले ही देख सकते हैं, लेकिन अगर आपको फुल मूवी देखनी है तो आपको उनकी साइट पर जाना होगा और पैसे देना होगा, तब आप इसे देख सकते हैं। आप YouTube पर जैसे सर्च करोगे आपके सामने ऑप्शन आएगा बाय और रेंट। अगर आप इसे रेंट पर लोगे तो आप सस्ते में देख सकते हो, शायद 50 या 75 रुपये में, लेकिन अगर आप इसे इसको ख़रीदना चाहते हैं तो आपका 250 से 300 या 350 रुपया आपको खर्चा करना पड़ेगा, तभी आप इसे देख सकते हैं। तो आई होप यू आपको जानकारी मिल गई होगी। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा इस मूवी से रिलेटेड फैक्ट और स्टोरी, इसकी ये कैसे बनाई गई थी, क्या हुआ था, जो कि काफ़ी मज़ेदार है, आपको काफ़ी मज़ा आएगा ये सब सुनने के बाद। तो अगर आप इसमें इंटरेस्ट रखते हैं तो वीडियो में बने रहिए, नहीं तो आप वीडियो छोड़ सकते हैं। दोस्तों, ऐसे ही अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। नो एंट्री 2004 में बनी हिंदी भाषा का एक हास्य चलचित्र है। इसके निर्देशन अनीस पमजी और निर्माता बोनी कपूर हैं। इसमें मुख्य भूमिका में हैं सलमान खान, अनिल कपूर, फरदीप खान, लारा दत्त, सेलिना जेठली, ईशा देवल और बिपाशा बसु। समीरा रेड्डी विशेष भूमिका में हैं। यह चलचित्र को एक तमिल चलचित्र चार्ली चैम्पियन पर आधारित है। दोस्तों, इसमें अभिनेता हैं अनिल कपूर, सलमान खान, फरजीत खान, लारा दत्त, बिपाशा बसु, ईशा देवल, बोमन ईरानी, सेलिन जेटली, समीर रेड्डी। संगीतकार हैं जो इसमें म्यूजिक दिया हुआ है अनु मलिक का, और इसकी जो रिलीज डेट थी वो थी 26 अगस्त 2004 को ये रिलीज हुई थी। देश था भारत और भाषा थी हिंदी। दोस्तों, इसकी स्टोरी के बारे में बात कर लेते हैं। किशन यानी अनिल कपूर एक अमीर समाचार संपादक होता है जो अपनी पत्नी काजल यानी लारा दत्त से बहुत प्यार करते रहता है और उसे धोखा देने के बारे में सोच भी नहीं सकता। हालांकि उसकी पत्नी को हमेशा यह डर लगा रहता है कि उसके पद का किसी और औरत के साथ चक्कर तो नहीं चल रहा है। इस कारण वो अपने पद पर ज़रूरत से ज़्यादा शक करते रहती है। प्रेम यानी सलमान खान किशन का दोस्त है और उसका हाल किशन से बिल्कुल अलग है। उसकी पत्नी पूजा यानी ईशा देवल उस पर आँख मूंद कर विश्वास करते रहती है और उसकी कहीं हर बात को सच मानते रहती है, लेकिन वो उसे ही झूठ के अलावा कभी कुछ नहीं कहता और कई लड़कियों के साथ चक्कर चलाते रहता है। शेखर यानी फरदीप खान किशन के समाचार कंपनी में काम करता है और किशन के एहसानों के बीच पूरी तरह दबा हुआ है। इस कारण वो किशन को अपने बड़े भाई मानता है और उसके लिए कुछ भी करने को तैयार रहता है। किशन भी उसे अपने छोटे भाई के रूप में मानता है। उसके साथ कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं कि उसे और संजना यानी सेलिना जेटली को एक दूसरे से प्यार हो जाता है। इन सभी के जीवन में नया मोड़ तब आता है जब शेखर अपने कैमरे में प्रेम की उसकी कुछ प्रेमिकाओं के साथ फ़ोटो ले लेता है और किशन उस फोटो को उसकी पत्नी को दिखाने की धमकी देता है। किसी तरह प्रेम उस कैमरे को उनसे दूर करने में सफल हो जाता है, पर वो इन सब में बचने के लिए बाबी यानी बिपाशा बसु को पैसे देकर किशन को पटाने का काम देता है। प्रेम किसी तरह किशन को बाबी से मिलने के लिए तैयार कर लेता है। किशन को पता चलता है कि उसकी बीबी अजमेर जाने वाली है, तो वो घर पर ही बाबे से मिलने का प्लान बना लेता है।
काजल के घर से निकलने के बाद योजना के अनुसार बाबी उसके घर आ जाती है। वह दोनों आउट हाउस जहां शेखर रहता है में चले जाते हैं। उसकी बीबी अपना पासपोर्ट घर पर ही भूल जाती है और जब वो उसे लेने वापस जाती है तो अपने पति के साथ बाबी को देखकर शक करने लगती है। इस शक से बचने के लिए किशन बोल देता है कि बाबी असल में शेखर की पत्नी है। किशन के एहसानों से तबाह हुआ शेखर उसके झूठ में साथ देने को मजबूर हो जाता है। वही शेखर अपनी और संजना की शादी की बात करने के लिए अपने बड़े भाई के रूप में किशन को ले चलता है। इस दौरान बाबी के आ जाने के कारण संजना और उसके परिवार वालों के सामने किशन उसे अपनी पत्नी बता देता है। शेखर और संजना की शादी तय हो जाती है। शादी के दिन काजल भी आती है और किशन को पता चलता है कि काजल और संजना दोस्त हैं। किसी तरह बीमारी का नाटक कर किशन उस जगह से बच जाता है और शेखर के साथ संजना की शादी भी हो जाती है। शादी के बाद शेखर और संजना जिस होटल में हनीमून मनाते रुकते हैं उसी होटल में किशन और काजल भी रुकने आ जाते हैं। परेशानी और भी बढ़ जाती है जब बाबी भी उसी होटल में रुकने आ जाती है। जब वे सब लोग एक साथ मिलते हैं तो किशन और शेखर का सारा झूठ सामने आ जाता है। संजना और काजल अपने पति से तलाक लेने का फैसला करती हैं। उसकी शादी को बचाने के लिए प्रेम आता है और कह देता है कि बाबी उसकी दूसरी पत्नी है। ये बात उसकी पत्नी पूजा भी सुन लेती है और इस तरह तीनों का एक जैसा हाल हो जाता है। प्रेम पहाड़ से कूदकर अपनी जान देने का नाटक करते रहता है पर उसे रोकने की कोशिश करते हुए शेखर और उन दोनों को बचाने की कोशिश में किशन भी पहाड़ से लटक जाते हैं और गिरने की कगार पर आ जाते हैं। पूजा, काजल और संजना उन्हें गिरने से बचाने के लिए रस्सी देती है लेकिन प्रेम पहले माफ़ करने को कहता है। उन सभी को माफ़ करने के बाद वे लोग रस्सी से ऊपर आ जाते हैं और कभी ऐसी गलती दोबारा न करने का फैसला करते हैं। अंत में दिखाया जाता है कि वे तीनों सुधरने का नाटक कर रहे हैं। अब चलिए बात करते हैं चरित्र के बारे में। सलमान खान इसमें प्रेम बने हुए हैं। अनिल कपूर किशन का रोल निभा रहे हैं। फरीदन खान शेखर का रोल निभा रहे हैं। ईशा देवल पूजा यानी प्रेम की पत्नी का रोल निभा रही हैं। लारा दत्त काजल यानी किशन की पत्नी का रोल निभा रही हैं और सलिनी जेटली संजना यानी शेखर की पत्नी का रोल निभा रही हैं। बिपाशा बसु बाबी का रोल निभा रही हैं। भुवन ईरानी मंत्री का रोल निभा रही हैं और समीरा रेड्डी बीच गर्ल यानी विशिष्ट उपस्थित का रोल निभा रही हैं। चलिए बात करते हैं संगीत के बारे में। इस चलचित्र के संगीतकार थे अनु मलिक। नो एंट्री इश्क की गली बीच सोनू निगम अली शाह चिनाय ने इसे गाया था। जस्ट लव मी मैं अकेला सोनू निगम ने इसे गाया था और इश्क में सुनिधि चौहान केके ने गाया था। वाय वाय दिल चुरा के अलीसा चिनाय ने गाया था। हॉट हॉट कलयुग की लीला वंशुर दास अलीसा चिनाय और सुनिधि चौहान ने गाया था। कहाँ हो तुम कुमार सानू और उदित नारायण ने गाया था। दिल पागल है अलका यगानिक कुमार सानू के मेरे जैसा कोई नहीं अलीसा चिनाय सुनिधि चौहान ने गाया था। तो चलिए बॉक्स ऑफिस के बारे में बात कर लेते हैं। यह चलचित्र बहुत पसंद किया गया और ये 2005 का सबसे सफल चलचित्र था। भारत में इसकी कुल कमाई 44 मिलियन रुपए थी। साल 2005 में रिलीज हुई सुपरहिट फिल्मों में से एक थी। अनिल कपूर, सलमान खान, बिपाशा बसु और फरीदन खान स्टारर नो एंट्री। सोमवार को इस फिल्म को रिलीज हुए 14 साल हो गए हैं। शाहरुख खान ने इस फिल्म के इस सीन का एक GIF अपने ट्विटर हैंडल पर शेयर किया है। सीन में अनिल कपूर फरीदन खान को पॉजिटिव रहने की बात समझाते नजर आ रहे हैं। वीडियो के साथ कैप्शन में अनिल कपूर ने लिखा, पॉजिटिव होना मेरे खून में है। नो एंट्री को 14 साल हो गए हैं। अनीज बजमी के निर्देशन में बनी इस फिल्म में लारा दत्त, ईशा देवल और सेलिना जेटली ने भी अहम किरदार निभाए थे। फिल्म के प्रोड्यूसर बोनी कपूर ने भी अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर फिल्म 14 साल होने पर पोस्ट की है। बोनी कपूर ने लिखा, साल 2005 की सबसे बड़ी हिट नो एंट्री आज अपनी 14वीं एनिवर्सरी मना रही है। जल्दी हम ज्यादा चुलबुली, ज्यादा नटखट और ज्यादा मनोरंजन वाली नो एंट्री
2 देखेंगे। शुक्रिया अनीस बज्मी और प्रोजेक्ट से जुड़े सभी लोग। बता दें कि साल 2005 में रिलीज हुई फिल्म नो एंट्री के सीक्वल को लेकर पिछले काफी वक्त से बातचीत चल रही है। पहली फिल्म का निर्देशन कर चुके अनीस बज्मी ही दूसरी फिल्म का निर्देशन करेंगे। कुछ रिपोर्ट में कहा गया है कि फिल्म के दूसरे पार्ट में अर्जुन कपूर नजर आएंगे। वहीं कुछ रिपोर्ट्स में ये भी कहा गया है कि फिल्म में सलमान खान अहम किरदार निभाते नजर आएंगे। सोशल मीडिया पर तमाम तरह की बातें हैं, हालांकि कास्ट को लेकर आधिकारिक घोषणा अभी नहीं की गई है। जहां तक सलमान के फिल्म में होने की बात है तो सलमान फिलहाल दबंग 3, शेर खान और इंशा अल्लाह जैसे प्रोजेक्ट में बिजी हैं। साल 2005 की सुपरहिट फिल्म नो एंट्री की सीक्वल बनने को तैयार है, लेकिन हो सकता है इस फिल्म में सलमान खान नजर नहीं आए। फिल्म के निर्देशक अनीस बज्मी ने कहा है कि हम चाहते हैं कि फिल्म में सलमान काम करें। उनके काम करने से फिल्म को हमेशा ही फायदा पहुंचता है। बज्मी ने एक साक्षात्कार के दौरान कहा कि सलमान एक शानदार अभिनेता हैं, वो एक स्टार हैं, अलग वो इस फिल्म का हिस्सा बनते हैं तो वास्तव में बहुत अच्छा होगा, लेकिन अगर वो इसे नहीं करना चाहते तो फिल्म की कहानी के मुताबिक हम किसी दूसरे अभिनेता के बारे में विचार करेंगे। बता दें कि पिछली फिल्म नो एंट्री में सलमान के साथ अनिल कपूर, बिपाशा बसु, फरीदी खान और लारा दत्त, सैलिन, जेटली, ईशा देवल और बोमन ईरानी मुख्य भूमिका में थे। गौरतलब की पिछली फिल्म में नो एंट्री में सलमान खान की छोटी सी भूमिका थी, लेकिन सलमान ने इस जिस तरह से अपने किरदार को निभाया था वह दर्शकों को काफ़ी पसंद आया था। लेकिन अपनी व्यस्तता के कारण हो सकता है कि वह इसकी बन रही सीक्वल नो एंट्री में नज़र नहीं आए। इस सुपरहिट फिल्म की कहानी के साथ फिल्म के निर्देशक पूरी तरह से तैयार हैं। उन्होंने पिछले साल एक मौके पर यह बताया था कि वो फिल्म की स्क्रिप्ट के साथ तैयार हैं और सलमान खान से डेट मिलने का इंतजार कर रहे हैं। फिलहाल फिल्म से जुड़ी अभी औपचारिक घोषणा नहीं की गई है। फिल्म के निर्देशक बोनी कपूर हैं। चर्चा है कि फिल्म से सलमान खान को रोल प्रेम अर्जुन को भी हटाया जा रहा है। खबरें ये भी हैं कि ये रोल अक्षय कुमार को भी ऑफर किया जा सकता है। फिलहाल फिल्म को लेकर चर्चा गर्म है। देखना दिलचस्प होगा कि फिल्म को लेकर क्या नया मोड़ आता है। श्रीदेवी के प्रोड्यूसर पद बोनी कपूर जल्द ही सलमान खान से मुलाकात करने वाले हैं और इस मुलाकात का मकसद है नो एंट्री के सीक्वल के लिए डेट्स फाइनल करना। दरअसल इस फिल्म के सीक्वल को लेकर पिछले काफ़ी समय से चर्चा हो रही है, मगर कब शूटिंग शुरू होगी इसके बारे में पूछे जाने पर बोनी कपूर ने जल्द ही सलमान से मुलाकात करने की बात स्वीकार की है। असर्रा जल्द मिलकर नो एंट्री के सीक्वल पर लेने वाले हैं फैसला। नो एंट्री सीक्वल की शूटिंग को लेकर पूछे गए सवाल पर बोनी ने कहा कि इसका सबसे अच्छा जवाब तो सलमान ही दे पाएंगे। उन्होंने कहा, मैंने उनके साथ इस बारे में पहले भी बातचीत की है, हम दोबारा मिलेंगे और फैसला करेंगे। मैं फिल्म माम में व्यस्त था, हम अगले कुछ सप्ताह में मिलेंगे और इस बारे में बातचीत करेंगे। आपको जानकर हैरानी होगी कि डायरेक्टर अनीस बज्मी ने करीब 1.5 साल पहले सलमान को नो एंट्री के सीक्वल की कहानी सुनाई थी। सूत्रों के मुताबिक जब सलमान को कहानी सुनाई गई तो उन्हें यह पसंद आई। सलमान के अलावा अनिल कपूर और फरीद खान भी सीक्वल में दिखाई देंगे। संजय लीला भंसाली की इंशा अल्लाह के बाद सलमान खान ने अब डायरेक्टर अनीस बज्मी की 14 साल पहले आई नो एंट्री के सीक्वल से अपने हाथ खींच लिए हैं। इस फिल्म को बोनी कपूर प्रोड्यूस कर रहे हैं। फिल्म से सलमान के अलग होने की पुष्टि बोनी के छोटे भाई अभिनेता अनिल कपूर ने दैनिक भास्कर से बातचीत की। अनिल कपूर ने साफ लफ्जों में कहा, हम लोग फिलहाल मेन लीड यानी प्रेम के लिए कलाकार ढूंढ रहे हैं, वह जिस दिन फाइनल हो जाएगा उसके बाद फिल्म शुरू हो जाएगी। सलमान यह फिल्म नहीं कर रहे हैं, यह क्लियर है, बाकी किरदारों के लिए भी कास्टिंग प्रेम तय होने के बाद होगी। बोनी के जिम में प्रेम की तलाश। अनिल कपूर के साथ साथ इस बारे में अनीस बज्मी ने भी मौजूदा डेवलपमेंट पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा, प्रेम को ढूंढने का काम बोनी कपूर साहब के जिम में है, मैं राइटर आदमी हूँ, हाँ सीक्वल की कहानी मैंने लिखी है, इसका नाम नो एंट्री में एंट्री है। प्रेम के तौर पर सलमान भाई का रिप्लेंस इंडिया क्या पूरी दुनिया में नहीं है, लिहाजा मैंने इसे तलाश करने की जिम्मेदारी बोनी जी पर छोड़ी है, वे जैसा कहेंगे मैं करूंगा। बाकी सलमान भाई से मेरे बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, वे भी एक राइटर के बेटे हैं, लिहाजा हम जैसे राइटरों को भी पूरा सम्मान देते हैं। फिल्म के प्लांट पर अनीस बज्मी कहते हैं, रहा सवाल सेकंड पार्ट के प्लाट का तो यह पिछले पार्ट से यकीनन बड़ा होगा। पहले वाले में 3 लड़कियां और 3 लड़के थे, इस बार 10 हीरोइनों और 6
हीरो होंगे। हम इस बार BFX भी ऐड करेंगे, यह मेरी पुरानी एमिटमेंट है। बोनी जी जब कहेंगे हम शूट कर लेंगे। मूल रूप से यह सिर्फ एक्स्ट्रा मटेरियल अफेयर पर नहीं है, यह पति पत्नी के खट्टे मीठे रिश्तों की पड़ताल है। पति कुत्ते की दुम है, उसे सुधारना नहीं है। पत्नियों ने ठान रखा कि उन्हें पद को सुधार कर रखना है। इस प्लॉट पर मैं आगे 4-5 से ज़्यादा कहानियाँ लिख सकता हूँ। लाइब्रेरी में रखने वाली फिल्म नो एंट्री। बजमी फिल्म के पिछले पार्ट को लेकर कहते हैं नो एंट्री टीवी पर भी पिछले 14 सालों से कईयों ने 50 बार देखी है। वह कल्ट फिल्म है, लाइब्रेरी में रखने वाली फिल्म है। जब कभी मूड खराब हो निकालिए और देख लीजिए। सलमान खान इन दिनों काफ़ी बिजी हैं। पिछले समय से उनकी फिल्म नो एंट्री के सीक्वल को लेकर चर्चा चल रही है। कुछ समय पहले सलमान ने फिल्म के सीक्वल के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा था कि नो एंट्री का सीक्वल नहीं बन रहा। नहीं, वही डायरेक्टर अब अनीस बजमी ने कंफर्म किया कि वह जल्द ही नो एंट्री के सीक्वल पर काम शुरू करेंगे। अनीस ने बताया कि सलमान को नो एंट्री में एंट्री की कहानी काफ़ी पसंद आई है, बस अभी उनके पास कोई डेट नहीं है। मैं उनकी हाँ का इंतज़ार कर रहा हूँ। इस फिल्म में सलमान डबल रोल में दिखाई देंगे। अनीस ने कहा, मैं फिल्म की कहानी को फाइनल टच देने का काम कर रहा हूँ। फिलहाल मैं मुबारका की शूटिंग में बिजी था। इसके अलावा अनीस ने अपने स्टेटमेंट में यह भी कहा कि इस फिल्म में न सिर्फ सलमान बल्कि अनिल कपूर और फरीदन खान का भी डबल रोल होगा। फिल्म के प्रोड्यूसर बोनी कपूर ने कहा ऐसा होगा, लेकिन अभी तक यह तय नहीं हुआ है कि इस फिल्म की शूटिंग कब होगी। रेस 3 के प्रमोशन में जुटे सलमान ने हमसे हुई खास बात में बताया कि रेस 3 की रिलीज के बाद वह अपनी अगली फिल्म भारत और अरबाज खान की फिल्म दबंग 3 की शूटिंग एक साथ शुरू करेंगे। सलमान बताते हैं कि फिलहाल नो एंट्री और वांटेड के अगले भाग को बनाने की कोई प्लानिंग नहीं है। नो एंट्री के निर्देशक अनीस बजमी ने हमसे हुई बातचीत में कहा था कि उन्होंने नो एंट्री के अगले भाग की कहानी लिखकर फिल्म के निर्माता बोनी कपूर को सुना भी दी है। अनीस की माने तो सलमान को भी उनकी कहानी खूब पसंद आई थी। अनीस ने नो एंट्री की कहानी बताते हुए कहा था कि इस बार सभी हीरो के ट्रिपल रोल होंगे। सलमान ने जब नो एंट्री के अगले भाग की बात की गई तो सलमान ने साफ कहा, जी नहीं, नो एंट्री और वांटेड के अगले भाग की कोई तैयारी नहीं है। फिलहाल तो इस बारे में कोई बातचीत भी नहीं हो रही है। मैं इस समय रेस 3 के बाद मतलब 2 महीने बाद फिल्म दबंग 3 और भारत की शूटिंग एक साथ शुरू करूंगा। इसके बाद मैं रेमो की एक डांस पर बेस्ट फिल्म शूट करूंगा। बाद में सोहेल खान की फिल्म शेर खान पर काम करेंगे। शेर खान की स्क्रिप्ट तैयार नहीं है, इसलिए उसकी डेट्स भी तय नहीं है। नो एंट्री लेकर अनीस बजमी और सलमान की अलग अलग बातों से साफ जाहिर होता है कि सलमान और अनीस का रेडी के दौरान हुआ मनमुटाव आज भी जारी है। एक तरफ जहां अनीस फिल्म के बनाने को लेकर कॉन्फिडेंट है, वहीं दूसरी ओर सलमान इस बात को सिरे से नकार रहे हैं। मीडिया से हुई खास बातचीत में अनिल कपूर ने बताया कि उनकी अगली फिल्म नो एंट्री 2 के लिए उनकी तैयारी पूरी हो चुकी है। उन्होंने बताया कि फिल्म की कहानी भी तैयार हो चुकी है। अनिल कपूर ने बताया कि फिल्म नो एंट्री के अगले भाग में मेरा ट्रिपल रोल है। उन्होंने बताया कि डबल रोल में एक्टिंग करूँगा और एक रोल प्रोड्यूसर का भी होगा। हम बहुत ही जल्द नो एंट्री 2 पर काम शुरू कर देंगे। जैसे ही हमारी फिल्म मुबारका हिट हो जाएगी, हम नो एंट्री 2 बनाने की घोषणा करेंगे। फिल्म निर्माता अनीस बजमी ने कहा कि नो एंट्री 2 की कहानी बहुत खूबसूरत है। मैं कह सकता हूँ यह 1 of the best फिल्म बन सकती है। इस फिल्म में सलमान खान, अनिल कपूर और फरीद खान के डबल रोल हैं। इसके अलावा फिल्म में 10 लड़कियाँ होंगी। फिल्म की कहानी बोनी जी और सलमान को बहुत अच्छी लगी है। सलमान तो इस कहानी को कई बार पढ़ चुके हैं और वह कई और करीबियों को भी सुना चुके हैं। गौरतलब है कि इन दिनों अनिल कपूर मुबारका के प्रमोशन में जुटे हैं। इस फिल्म में अनिल कपूर, अर्जुन कपूर, आथिया शेट्टी, इलियाना डिक्रूजा, रत्ना पाठक शाह, पवन मल्होत्रा, नेहा शर्मा और राहुल देव हैं, जो 28 जुलाई को रिलीज होगी।
बॉलीवुड एक्टर सलमान खान की आगामी फिल्मों फरहिस्त में दबंग 3 और राधे राधे के साथ नो एंट्री शुक्ल का नाम भी तय माना जा रहा है। मुंबई बॉलीवुड एक्टर सलमान खान की आगामी फिल्मों की फरहिस्त में दबंग 3 और राधे के साथ नो एंट्री शुक्ल का नाम भी तय माना जा रहा था। फिलहाल अब यह पूरी तरह से तय हो गया है कि सलमान खान अपनी सुपरहिट कॉमेडी फिल्म नो एंट्री के शुक्ल से पीछे हट गए हैं। इंशाअल्लाह के बाद इस साल की ये दूसरी ऐसी फिल्म सामने आई है जिसे करने से सलमान खान ने साफ तौर पर इनकार कर दिया है। बीते कई दिनों से इसकी चर्चा रही कि सलमान खान के पास समय की कमी होने के कारण वह नो एंट्री का सीक्वल नहीं कर पाएंगे। अब इस पर खुद उनके करीबी दोस्त अनिल कपूर और लेखक व निर्देशक अनीस बजबी का बयान सामने आया है। दैनिक भास्कर से बातचीत में अवनीश और अनिल कपूर ने इस पर खुलासा किया है। अनिल कपूर ने सलमान खान को नए एंट्री के सीक्वल में ना रहने की पुष्टि कर दी है। उन्होंने कहा है कि फिल्म की टीम नो एंट्री के प्रेम के लिए कलाकार की तलाश हो रही है। जिस दिन ये फाइनल होगा उस दिन फिल्म का नाम का काम शुरू हो जाएगा। अनिल कपूर ने आगे कहा कि यह साफ है कि सलमान खान ये फिल्म नहीं कर रहे हैं। बाकी किरदारों के लिए भी कास्टिंग प्रेम के लिए कलाकार तय होने पर की जाएगी। लेखक अनीस बजबी ने सलमान खान को लेकर अपनी राय रखते हुए कहा कि निर्माता बोनू कपूर प्रेम के लिए कलाकार की तलाश कर रहे हैं। सीक्वल की कहानी मैंने लिखी है। फिल्म का नाम नो एंट्री में एंट्री है। फन्ने खान अनिल कपूर इन दिनों फन्ने खान फिल्म के प्रमोशन में जुटे हुए हैं। अच्छी फिल्म, जबरदस्त कहानी, बेहतरीन किरदार और एक से बढ़कर एक सह कलाकारों के साथ काम करना फिल्म मेकिंग का सबसे जबरदस्त पार्ट होता है। पिता और बेटी के बीच खूबसूरत रिश्ते और आने वाले उतार चढ़ाव के बीच बनी हुई फिल्म फन्ने खान लोगों को पसंद आएगी, इसकी पूरी उम्मीद अनिल कपूर को है। हालांकि 35 वर्षों से लगातार फिल्म इंडस्ट्री में काम करने वाले अनिल कपूर अपनी हर फिल्म में हमेशा कुछ ना कुछ सीखने की बात करते हैं। अनिल कपूर ने जी न्यूज से हुई खास बातचीत में बताया, लगभग एक दशक पहले रिलीज हुई फिल्म नो एंट्री को लोगों ने बहुत ज्यादा प्यार मिला था और उसके बाद से खबरें आ रही हैं कि नो एंट्री का दूसरा भाग भी बनने वाला है। हालांकि अनीस बजबी ने बोनी कपूर जी ने कई बार अपने इंटरव्यू में फिल्म की स्क्रिप्ट तैयार होने की बात की है, लेकिन जब इस बारे में हमने अनिल कपूर से पूछा तो उनका यह मानना है कि फिल्म की स्क्रिप्ट आप ही लोगों ने देखी है। फिल्म की स्क्रिप्ट मुझे भी देखनी है और क्यों नहीं, नो एंट्री करना चाहूँगा। हम बोलते हैं कि अनिल कपूर हंस पड़े। आपको बता दें कि फिल्म में नो एंट्री में कॉमेडी, रोमांस, ड्रामा और जबरदस्त संगीन था और यही वजह है कि अपने दौर की अच्छा बिजनेस करने वाली, लोगों को हंसाने गुदगुदाने वाली फिल्म नो एंट्री बनी थी। अनिल कपूर के साथ सलमान खान, फरीद खान भी नजर आए थे। तभी से कयास लगाए जा रहे हैं कि फिल्म में नो एंट्री का एक और भाग बनने वाला है। हालांकि अनिल कपूर स्क्रिप्ट का अभी भी इंतजार कर रहे हैं। फिल्म में फन्ने खान के प्रमोशन में जुटी पूरी कास्ट को इस हफ्ते रिलीज हो रही अपनी फिल्म के अच्छे बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की उम्मीद है। एक्टर राजकुमार राव और नीव कुमार पीहू को उम्मीद है कि लोगों को पसंद आएगी और लोग जरूर अपने साथ संदेश लेकर आएंगे। फिल्म में ऐश्वर्या एक अलग ही रूप में नजर आएंगी। फन्ने खान 3 अगस्त को रिलीज हो रही है। फिल्म में अनिल कपूर, राजकुमार राव, ऐश्वर्या राय और पीहू मुख्य किरदार में नजर आएंगे। डायरेक्टर अतुल मंजेरकर की यह पहली निर्देशित फिल्म है। हेलो दोस्तों, अगर आप नो एंट्री मूवी को यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो मैं आपको बता दूं कि ये आपको फुल मूवी यूट्यूब पर देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि ये मूवी जैसे ही यूट्यूब पर अपलोड की जाती है यूट्यूब वाले इसे हटा देते हैं। क्योंकि मैंने भी इसे अपलोड किया था और जैसे मैंने इसे अपलोड किया यूट्यूब वालों ने इसे हटा दिया। वह इसलिए हटा देते हैं क्योंकि जो लोग यानी जो कंपनियां इस मूवी की मालिक हैं वो जो है इसे यूट्यूब पर अपलोड करने की परमिशन नहीं दे रही हैं। इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न ये है क्योंकि वे लोग इस मूवी को अभी भी पैसे लेकर दिखा रहे हैं। तो अगर आप इस मूवी को फुल देखना चाहते हैं तो भाई आपको पैसे तो खर्च करना ही पड़ेगा। आप इसके यूट्यूब पर छोटे मोटे पार्ट भले ही देख सकते हैं, लेकिन अगर आपको फुल मूवी देखनी है तो आपको उनकी साइट पर जाना होगा और पैसे देना होगा, तब आप इसे देख सकते हैं। आप यूट्यूब पर जैसे सर्च करोगे आपके सामने ऑप्शन आएगा बाई और रेंट। अगर आप इसे रेंट पर लोगे तो आप सस्ते में देख सकते हो, शायद 50 या 75 रुपये में, लेकिन अगर आप इसको ख़रीदना चाहते हैं तो आपका 250 से 300
300 या 350 रुपया आपको खर्चा करना पड़ेगा, तभी आप इसे देख सकते हैं। तो आई होप यू आपको जानकारी मिल गई होगी। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा इस मूवी से रिलेटेड फैक्ट और स्टोरी, इसकी ये कैसे बनाई गई थी, क्या हुआ था, जो कि काफ़ी मज़ेदार है, आपको काफ़ी मज़ा आएगा ये सब सुनने के बाद। तो अगर आप इसमें इंटरेस्ट रखते हैं तो वीडियो में बने रहिए, नहीं तो आप वीडियो छोड़ सकते हैं। दोस्तों, ऐसे ही अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। नो एंट्री 2004 में बनी हिंदी भाषा का एक हास्य चलचित्र है। इसके निर्देशन अनीस पमजी और निर्माता बोनी कपूर हैं। इसमें मुख्य भूमिका में हैं सलमान खान, अनिल कपूर, फरदीप खान, लारा दत्त, सेलिना जेठली, ईशा देवल और बिपाशा बसु। समीरा रेड्डी विशेष भूमिका में हैं। यह चलचित्र को एक तमिल चलचित्र चार्ली चैम्पलिन पर आधारित है। दोस्तों, इसमें अभिनेता हैं अनिल कपूर, सलमान खान, फरजीत खान, लारा दत्त, बिपाशा बसु, ईशा देवल, बोमन ईरानी, सेलिन जेटली, समीर रेड्डी। संगीतकार हैं जो इसमें म्यूजिक दिया हुआ है अनु मल्लिक का, और इसकी जो रिलीज डेट थी वो थी 26 अगस्त 2004 को ये रिलीज हुई थी। देश था भारत और भाषा थी हिंदी। दोस्तों, इसकी स्टोरी के बारे में बात कर लेते हैं। किशन यानी अनिल कपूर एक अमीर समाचार संपादक होता है जो अपनी पत्नी काजल यानी लारा दत्त से बहुत प्यार करते रहता है और उसे धोखा देने के बारे में सोच भी नहीं सकता। हालांकि उसकी पत्नी को हमेशा यह डर लगा रहता है कि उसके पति का किसी और औरत के साथ चक्कर तो नहीं चल रहा है। इस कारण वो अपने पति पर ज़रूरत से ज़्यादा शक करते रहती है। प्रेम यानी सलमान खान किशन का दोस्त है और उसका हाल किशन से बिल्कुल अलग है। उसकी पत्नी पूजा यानी ईशा देवल उस पर आँख मूंद कर विश्वास करते रहती है और उसकी कहीं हर बात को सच मानते रहती है, लेकिन वो उसे ही झूठ के अलावा कभी कुछ नहीं कहता और कई लड़कियों के साथ चक्कर चलाते रहता है। शेखर यानी फरदीप खान किशन के समाचार कंपनी में काम करता है और किशन के एहसानों के बीच पूरी तरह दबा हुआ है। इस कारण वो किशन को अपने बड़े भाई मानता है और उसके लिए कुछ भी करने को तैयार रहता है। किशन भी उसे अपने छोटे भाई के रूप में मानता है। उसके साथ कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं कि उसे और संजना यानी सेलिना जेटली को एक दूसरे से प्यार हो जाता है। इन सभी के जीवन में नया मोड़ तब आता है जब शेखर अपने कैमरे में प्रेम की उसकी कुछ प्रेमिकाओं के साथ फोटो ले लेता है और किशन उस फोटो को उसकी पत्नी को दिखाने की धमकी देता है। किसी तरह प्रेम उस कैमरे को उनसे दूर करने में सफल हो जाता है, पर वो इन सब में बचने के लिए बाबी यानी बिपाशा बसु को पैसे देकर किशन को पटाने का काम देता है। प्रेम किसी तरह किशन को बाबी से मिलने के लिए तैयार कर लेता है। किशन को पता चलता है कि उसकी बीबी अजमेर जाने वाली है, तो वो घर पर ही बाबे से मिलने का प्लान बना लेता है। काजल के घर से निकलने के बाद योजना के अनुसार बाबी उसके घर आ जाती है। वह दोनों आउट हाउस जहां शेखर रहता है में चले जाते हैं। उसकी बीबी अपना पासपोर्ट घर पर ही भूल जाती है और जब वो उसे लेने वापस जाती है तो अपने पति के साथ बाबी को देख कर शक करने लगती है। इस शक से बचने के लिए किशन बोल देता है कि बाबी असल में शेखर की पत्नी है। किशन के एहसानों से तबाह हुआ शेखर उसके झूठ में साथ देने को मजबूर हो जाता है। वही शेखर अपनी और संजना की शादी की बात करने के लिए अपने बड़े भाई के रूप में किशन को ले चलता है। इस दौरान बाबी के आ जाने के कारण संजना और उसके परिवार वालों के सामने किशन उसे अपनी पत्नी बता देता है। शेखर और संजना की शादी तय हो जाती है। शादी के दिन काजल भी आती है और किशन को पता चलता है कि काजल और संजना दोस्त हैं। किसी तरह बीमारी का नाटक कर किशन उस जगह से बच जाता है और शेखर के साथ संजना की शादी भी हो जाती है। शादी के बाद शेखर और संजना जिस होटल में हनीमून मनाते रुकते हैं, उसी होटल में किशन और काजल भी रुकने आ जाते हैं। परेशानी और भी बढ़ जाती है जब बाबी भी उसी होटल में रुकने आ जाती है। जब वे सब लोग एक साथ मिलते हैं तो किशन और शेखर का सारा झूठ सामने आ जाता है। संजना और काजल अपने पति से तलाक लेने का फैसला करती हैं। उसकी शादी को बचाने के लिए प्रेम आता है और कह देता है कि बाबी उसकी दूसरी पत्नी है। ये बात उसकी पत्नी पूजा भी सुन लेती है और इस तरह तीनों का एक जैसा हाल हो जाता है। प्रेम पहाड़ से कूदकर अपनी जान देने का नाटक करते रहता है,
पर उसे रोकने की कोशिश करते हुए शेखर और उन दोनों को बचाने की कोशिश में किशन भी पहाड़ से लटक जाते हैं और गिरने की कगार पर आ जाते हैं। पूजा, काजल और संजना उन्हें गिरने से बचाने के लिए रस्सी देती है, लेकिन प्रेम पहले माफ करने को कहता है। उन सभी को माफ करने के बाद वे लोग रस्सी से ऊपर आ जाते हैं और कभी ऐसी गलती दोबारा न करने का फैसला करते हैं। अंत में दिखाया जाता है कि वे तीनों सुधरने का नाटक कर रहे हैं। अब चलिए बात करते हैं चरित्र के बारे में। सलमान खान इसमें प्रेम बने हुए हैं, अनिल कपूर किशन का रोल निभा रहे हैं, फरीद धन खान शेखर का रोल निभा रहे हैं, ईशा देवल पूजा यानी प्रेम की पत्नी का रोल निभा रही हैं, लारा दत्त काजल यानी किशन की पत्नी का रोल निभा रही हैं और सलीनी जेटली संजना यानी शेखर की पत्नी का रोल निभा रही हैं, बिपाशा बसु भाभी का रोल निभा रही हैं, भुवन ईरानी मंत्री का रोल निभा रही हैं और समीरा रेड्डी बीच गर्ल यानी विशिष्ट उपस्थित का रोल निभा रही हैं। चलिए बात करते हैं संगीत के बारे में। इस चलचित्र के संगीतकार थे अनु मलिक। नो एंट्री, इश्क की गली बीच सोनू निगम, अलीसा चिना ने इसे गाया था। जस्ट लव मी, मैं अकेला, सोनू निगम ने इसे गाया था और इश्क में सुनिधि चौहान केके ने गाया था। वाय वाय दिल चुरा के अलीसा चिना ने गाया था। हॉट हॉट कलियुग की लीला वंशुर दास, अलीसा चिना और सुनिधि चौहान ने गाया था। कहाँ हो तुम कुमार सानू और उदित नारायण ने गाया था। दिल पागल है अलका यगानिक कुमार सानू के मेरे जैसा कोई नहीं अलीसा चिना सुनिधि चौहान ने गाया था। तो चलिए अब बॉक्स ऑफिस के बारे में बात कर लेते हैं। यह चलचित्र बहुत पसंद किया गया और ये 2005 का सबसे सफल चलचित्र था। भारत में इसकी कुल कमाई 44 मिलियन रुपये थी। साल 2005 में रिलीज हुई सुपरहिट फिल्मों में से एक थी। अनिल कपूर, सलमान खान, बिपाशा बसु और फरीद धन खान स्टारर नो एंट्री सोमवार को इस फिल्म को रिलीज हुए 14 साल हो गए हैं। शाहरुख खान ने इस फिल्म के इस सीन का एक GIF अपने ट्विटर हैंडल पर शेयर किया है। सीन में अनिल कपूर फरीद धन खान को पॉजिटिव रहने की बात समझाते नजर आ रहे हैं। वीडियो के साथ कैप्शन में अनिल कपूर ने लिखा, पॉजिटिव होना मेरे खून में है। नो एंट्री को 14 साल हो गए हैं। अनीज बजमी के निर्देशन में बनी इस फिल्म में लारा दत्त, ईशा देवल और सेलिना जेटली ने भी अहम किरदार निभाए थे। फिल्म के प्रोड्यूसर बोनी कपूर ने भी अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर फिल्म 14 साल होने पर पोस्ट की है। बोनी कपूर ने लिखा, साल 2005 की सबसे बड़ी हिट नो एंट्री आज अपनी 14वीं एनिवर्सरी मना रही है। जल्दी हम ज़्यादा चुलबुली, ज़्यादा नटखट और ज़्यादा मनोरंजन वाली नो एंट्री 2 देखेंगे। शुक्रिया अनीस बजमी और प्रोजेक्ट से जुड़े सभी लोग। बता दें कि साल 2005 में रिलीज हुई फिल्म नो एंट्री के सीक्वल को लेकर पिछले काफ़ी वक्त से बातचीत चल रही है। पहली फिल्म का निर्देशन कर चुके अनीस बजमी ही दूसरी फिल्म का निर्देशन करेंगे। कुछ रिपोर्ट में कहा गया है कि फिल्म के दूसरे पार्ट में अर्जुन कपूर नजर आएंगे। वहीं कुछ रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया है कि फिल्म में सलमान खान अहम किरदार निभाते नजर आएंगे। सोशल मीडिया पर तमाम तरह की बातें हैं, हालांकि कास्ट को लेकर आधिकारिक घोषणा अभी नहीं की गई है। जहां तक सलमान के फिल्म में होने की बात है तो सलमान फिलहाल दबंग 3, शेर खान और इंशा अल्लाह जैसे प्रोजेक्ट में बिजी हैं। साल 2005 की सुपरहिट फिल्म नो एंट्री की सीक्वल बनने को तैयार है, लेकिन हो सकता है इस फिल्म में सलमान खान नज़र नहीं आए। फिल्म के निर्देशक अनीस बजमी ने कहा है कि हम चाहते हैं कि फिल्म में सलमान काम करें, उनके काम करने से फिल्म को हमेशा ही फायदा पहुंचता है। बजमी ने एक साक्षात्कार के दौरान कहा कि सलमान एक शानदार अभिनेता हैं, वो एक स्टार हैं, अलग वो इस फिल्म का हिस्सा बनते हैं तो वास्तव में बहुत अच्छा होगा, लेकिन अगर वो इसे नहीं करना चाहते तो फिल्म की कहानी के मुताबिक हम किसी दूसरे अभिनेता के बारे में विचार करेंगे। बता दें कि पिछली फिल्म नो एंट्री में सलमान के साथ अनिल कपूर, बिपाशा बसु, फरीदी खान और लारा दत्त, सलीन जेटली, ईशा देवल और बोमन ईरानी मुख्य भूमिका में थे। गौरतलब कि पिछली फिल्म में नो एंट्री में सलमान खान की छोटी सी भूमिका थी, लेकिन सलमान ने इस जिस तरह से अपने किरदार को निभाया था वह दर्शकों को काफ़ी पसंद आया था। लेकिन अपनी व्यस्तता के कारण हो सकता है कि वह इसकी बन रही सीक्वल नो एंट्री में नज़र नहीं आए। इस सुपरहिट फिल्म की कहानी के साथ फिल्म के निर्देशक पूरी तरह से तैयार हैं। उन्होंने पिछले साल एक मौके पर यह बताया था कि वो फिल्म की स्क्रिप्ट के साथ तैयार हैं और सलमान खान से डेट मिलने का इंतजार कर रहे हैं। फिलहाल फिल्म से जुड़ी अभी औपचारिक घोषणा नहीं की गई है। फिल्म के निर्देशक बोनी कपूर हैं। चर्चा है कि फिल्म से सलमान खान को रोल
प्रेम अर्जुन को भी हटाया जा रहा है। खबरें ये भी हैं कि ये रोल अक्षय कुमार को भी ऑफर किया जा सकता है। फिलहाल फिल्म को लेकर चर्चा गर्म है। देखना दिलचस्प होगा कि फिल्म को लेकर क्या नया मोड़ आता है। श्रीदेवी के प्रोड्यूसर पद बोनी कपूर जल्द ही सलमान खान से मुलाकात करने वाले हैं और इस मुलाकात का मकसद है नो एंट्री के सीक्वल के लिए डेट्स फाइनल करना। दरअसल इस फिल्म के सीक्वल को लेकर पिछले काफ़ी समय से चर्चा हो रही है, मगर कब शूटिंग शुरू होगी इसके बारे में पूछे जाने पर बोनी कपूर ने जल्द ही सलमान से मुलाकात करने की बात स्वीकार की है। अश्वर्या जल्द मिलकर नो एंट्री के सीक्वल पर लेने वाले हैं फैसला। नो एंट्री सीक्वल की शूटिंग को लेकर पूछे गए सवाल पर बोनी ने कहा कि इसका सबसे अच्छा जवाब तो सलमान ही दे पाएंगे। उन्होंने कहा, मैंने उनके साथ इस बारे में पहले भी बातचीत की है, हम दोबारा मिलेंगे और फैसला करेंगे। मैं फिल्म माम में व्यस्त था, हम अगले कुछ सप्ताह में मिलेंगे और इस बारे में बातचीत करेंगे। आपको जानकर हैरानी होगी कि डायरेक्टर अनीस बज्मी ने करीब 1.5 साल पहले सलमान को नो एंट्री के सीक्वल की कहानी सुनाई थी। सूत्रों के मुताबिक जब सलमान को कहानी सुनाई गई तो उन्हें यह पसंद आई। सलमान के अलावा अनिल कपूर और फरीद खान भी सीक्वल में दिखाई देंगे। संजय लीला भंसाली की इंशाअल्लाह के बाद सलमान खान ने अब डायरेक्टर अनीस बज्मी की 14 साल पहले आई नो एंट्री के सीक्वल से अपने हाथ खींच लिए हैं। इस फिल्म को बोनी कपूर प्रोड्यूस कर रहे हैं। फिल्म से सलमान के अलग होने की पुष्टि बोनी के छोटे भाई अभिनेता अनिल कपूर ने दैनिक भास्कर से बातचीत की। अनिल कपूर ने साफ लफ्जों में कहा, हम लोग फिलहाल मेन लीड यानी प्रेम के लिए कलाकार ढूंढ रहे हैं। वह जिस दिन फाइनल हो जाएगा उसके बाद फिल्म शुरू हो जाएगी। सलमान यह फिल्म नहीं कर रहे हैं, यह क्लियर है। बाकी किरदारों के लिए भी कास्टिंग प्रेम तय होने के बाद होगी। बोनी के जिम में प्रेम की तलाश। अनिल कपूर के साथ साथ इस बारे में अनीस बज्मी ने भी मौजूदा डेवलपमेंट पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा, प्रेम को ढूंढने का काम बोनी कपूर साहब के जिम्मे है। मैं राइटर आदमी हूँ, हाँ सीक्वल की कहानी मैंने लिखी है, इसका नाम नो एंट्री में एंट्री है। प्रेम के तौर पर सलमान भाई का रिप्लेंस इंडिया क्या पूरी दुनिया में नहीं है, लिहाजा मैंने इसे तलाश करने की जिम्मेदारी बोनी जी पर छोड़ी है। वे जैसा कहेंगे मैं करूंगा। बाकी सलमान भाई से मेरे बड़े अच्छे तल्लुकात हैं, वे भी एक राइटर के बेटे हैं, लिहाजा हम जैसे राइटरों को भी पूरा सम्मान देते हैं। फिल्म के प्लांट पर अनीस बज्मी कहते हैं, रहा सवाल सेकंड पार्ट के प्लॉट का, तो यह पिछले पार्ट से यकीनन बड़ा होगा। पहले वाले में 3 लड़कियां और 3 लड़के थे, इस बार 10 हीरोइनों और 6 हीरो होंगे। हम इस बार BFX भी ऐड करेंगे, यह मेरी पुरानी एमिटमेंट है। बोनी जी जब कहेंगे हम शूट कर लेंगे। मूल रूप से यह सिर्फ एक्स्ट्रा मटेरियल अफेयर पर नहीं है, यह पति पत्नी के खट्टे मीठे रिश्तों की पड़ताल है। पति कुत्ते की दुम है, उसे सुधारना नहीं है। पत्नियों ने ठान रखा कि उन्हें पद को सुधार कर रखना है। इस प्लॉट पर मैं आगे 4-5 से ज़्यादा कहानियाँ लिख सकता हूँ। लाइब्रेरी में रखने वाली फिल्म नो एंट्री। बज्मी फिल्म के पिछले पार्ट को लेकर कहते हैं, नो एंट्री टीवी पर भी पिछले 14 सालों से कईयों ने 50 बार देखी है। वह कल्ट फिल्म है, लाइब्रेरी में रखने वाली फिल्म है। जब कभी मूड खराब हो निकालिए और देख लीजिए। सलमान खान इन दिनों काफ़ी बिजी हैं। पिछले समय से उनकी फिल्म नो एंट्री के सीक्वल को लेकर चर्चा चल रही है। कुछ समय पहले सलमान ने फिल्म के सीक्वल के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा था कि नो एंट्री का सीक्वल नहीं बन रहा। नहीं, वही डायरेक्टर अब अनीस बज्मी ने कन्फर्म किया कि वह जल्द ही नो एंट्री के सीक्वल पर काम शुरू करेंगे। अनीस ने बताया कि सलमान को नो एंट्री में एंट्री की कहानी काफ़ी पसंद आई है, बस अभी उनके पास कोई डेट नहीं है। मैं उनकी हाँ का इंतज़ार कर रहा हूँ। इस फिल्म में सलमान डबल रोल में दिखाई देंगे। अनीस ने कहा, मैं फिल्म की कहानी को फाइनल टच देने का काम कर रहा हूँ। फिलहाल मैं मुबारका की शूटिंग में बिजी था। इसके अलावा अनीस ने अपने स्टेटमेंट में यह भी कहा कि इस फिल्म में न सिर्फ सलमान बल्कि अनिल कपूर और फरीदन खान का भी डबल रोल होगा। फिल्म के प्रोड्यूसर बोनी कपूर ने कहा, ऐसा होगा लेकिन अभी तक यह तय नहीं हुआ है कि इस फिल्म की शूटिंग कब होगी।
रेस 3 के प्रमोशन में जुटे सलमान ने हमसे हुई खास बात में बताया कि रेस 3 के रिलीज के बाद वह अपनी अगली फिल्म भारत और अरबाज खान की फिल्म दबंग 3 की शूटिंग एक साथ शुरू करेंगे। सलमान बताते हैं कि फिलहाल नो एंट्री और वांटेड के अगले भाग को बनाने की कोई प्लानिंग नहीं है। नो एंट्री के निर्देशक अनीस बजमी ने हमसे हुई बातचीत में कहा था कि उन्होंने नो एंट्री के अगले भाग की कहानी लिखकर फिल्म के निर्माता बोनी कपूर को सुना भी दी है। अनीस की माने तो सलमान को भी उनकी कहानी खूब पसंद आई थी। अनीस ने नो एंट्री की कहानी बताते हुए कहा था कि इस बार सभी हीरो के ट्रिपल रोल होंगे। सलमान ने जब नो एंट्री के अगले भाग की बात की गई तो सलमान ने साफ कहा, जी नहीं, नो एंट्री और वांटेड के अगले भाग की कोई तैयारी नहीं है फिलहाल, तो इस बारे में कोई बातचीत भी नहीं हो रही है। मैं इस समय रेस 3 के बाद मतलब 2 महीने बाद फिल्म दबंग 3 और भारत की शूटिंग एक साथ शुरू करूंगा। इसके बाद मैं रेमो की एक डांस पर बेस्ट फिल्म शूट करूंगा। बाद में सोहेल खान की फिल्म शेर खान पर काम करेंगे। शेर खान की स्क्रिप्ट तैयार नहीं है इसलिए उसकी डेट्स भी तय नहीं है। नो एंट्री लेकर अनीस बजमी और सलमान की अलग अलग बातों से साफ जाहिर होता है कि सलमान और अनीस का रेडी के दौरान हुआ मनमुटाव आज भी जारी है। एक तरफ जहां अनीस फिल्म के बनाने को लेकर कॉन्फिडेंट है, वहीं दूसरी ओर सलमान इस बात को सिरे से नकार रहे हैं। मीडिया से हुई खास बातचीत में अनिल कपूर ने बताया कि उनकी अगली फिल्म नो एंट्री 2 के लिए उनकी तैयारी पूरी हो चुकी है। उन्होंने बताया कि फिल्म की कहानी भी तैयार हो चुकी है। अनिल कपूर ने बताया कि फिल्म नो एंट्री के अगले भाग में मेरा ट्रिपल रोल है। उन्होंने बताया कि डबल रोल में एक्टिंग करूँगा और एक रोल प्रोड्यूसर का भी होगा। हम बहुत ही जल्द नो एंट्री 2 पर काम शुरू कर देंगे। जैसे ही हमारी फिल्म मुबारक हिट हो जाएगी हम नो एंट्री 2 बनाने की घोषणा करेंगे। फिल्म निर्माता अनीस बजमी ने कहा कि नो एंट्री 2 की कहानी बहुत खूबसूरत है। मैं कह सकता हूँ यह वन ऑफ द बेस्ट फिल्म बन सकती है। इस फिल्म में सलमान खान, अनिल कपूर और फरीद खान के डबल रोल हैं। इसके अलावा फिल्म में 10 लड़कियाँ होंगी। फिल्म की कहानी बोनी जी और सलमान को बहुत अच्छी लगी है। सलमान तो इस कहानी को कई बार पढ़ चुके हैं और वह कई और करीबियों को भी सुना चुके हैं। गौरतलब है कि इन दिनों अनिल कपूर मुबारका के प्रमोशन में जुटे हैं। इस फिल्म में अनिल कपूर, अर्जुन कपूर, आथिया शेट्टी, इलियाना डिक्रूजा, रत्ना पाठक शाह, पवन मल्होत्रा, नेहा शर्मा और राहुल देव हैं, जो 28 जुलाई को रिलीज होगी। बॉलीवुड एक्टर सलमान खान की आगामी फिल्मों फरहिस्त में दबंग 3 और राधे राधे के साथ नो एंट्री सीक्वल का नाम भी तय माना जा रहा है। मुंबई बॉलीवुड एक्टर सलमान खान की आगामी फिल्मों की फरहिस्त में दबंग 3 और राधे के साथ नो एंट्री सीक्वल का नाम भी तय माना जा रहा था। फिलहाल अब यह पूरी तरह से तय हो गया है कि सलमान खान अपनी सुपरहिट कॉमेडी फिल्म नो एंट्री के सीक्वल से पीछे हट गए हैं। इंशाअल्लाह के बाद इस साल की ये दूसरी ऐसी फिल्म सामने आई है जिसे करने से सलमान खान ने साफ तौर पर कर दिया है। बीते कई दिनों से इसकी चर्चा रही कि सलमान खान के पास समय की कमी होने के कारण वह नो एंट्री का सीक्वल नहीं कर पाएंगे। अब इस पर खुद उनके करीबी दोस्त अनिल कपूर और लेखक व निर्देशक अनीस बजमी का बयान सामने आया है। दैनिक भास्कर से बातचीत में अवनीस और अनिल कपूर ने इस पर खुलासा किया है। अनिल कपूर ने सलमान खान को नो एंट्री के सीक्वल में ना रहने की पुष्टि कर दी है। उन्होंने कहा है कि फिल्म की टीम नो एंट्री के प्रेम के लिए कलाकार की तलाश हो रही है। जिस दिन ये फाइनल होगा उस दिन फिल्म का नाम का काम शुरू हो जाएगा। अनिल कपूर ने आगे कहा कि ये साफ है कि सलमान खान ये फिल्म नहीं कर रहे हैं। बाकी किरदारों के लिए भी कास्टिंग प्रेम के लिए कलाकार तय होने पर की जाएगी। लेखक अनीस बजमी ने सलमान खान को लेकर अपनी राय रखते हुए कहा कि निर्माता बोनू कपूर प्रेम के लिए कलाकार की तलाश कर रहे हैं। सीक्वल की कहानी मैंने लिखी है। फिल्म का नाम नो एंट्री में एंट्री है। फन्ने खान अनिल कपूर इन दिनों फन्ने खान फिल्म के प्रमोशन में जुटे हुए हैं। अच्छी फिल्म, जबरदस्त कहानी, बेहतरीन किरदार और एक से बढ़कर एक सह कलाकारों के साथ काम करना फिल्म मेकिंग का सबसे जबरदस्त पार्ट होता है। पिता और बेटी के बीच खूबसूरत रिश्ते और आने वाले उतार चढ़ाव के बीच बनी हुई फिल्म फन्ने खान लोगों को पसंद आएगी, इसकी पूरी उम्मीद अनिल कपूर को है। हालांकि 35 वर्षों से लगातार फिल्म इंडस्ट्री में काम करने वाले अनिल कपूर अपनी हर फिल्म में हमेशा कुछ ना कुछ सीखने की बात करते हैं। अनिल कपूर ने जी न्यूज से हुई खास बातचीत में बताया, लगभग एक दशक पहले रिलीज हुई फिल्म नो एंट्री को लोगों ने बहुत ज़्यादा प्यार मिला था और उसके बाद से खबरें आ रही हैं कि नो एंट्री का दूसरा भाग भी बनने वाला है। हालाँकि अनीस बजमी ने बोनी कपूर, जी
ने कई बार अपने इंटरव्यू में फिल्म की स्क्रिप्ट तैयार होने की बात की है, लेकिन जब इस बारे में हमने अनिल कपूर से पूछा तो उनका यह मानना है कि फिल्म की स्क्रिप्ट आप ही लोगों ने देखी है। फिल्म की स्क्रिप्ट मुझे भी देखनी है और क्यों नहीं, नो एंट्री करना चाहूँगा। हम बोलते हैं कि अनिल कपूर हंस पड़े। आपको बता दें कि फिल्म में नो एंट्री में कॉमेडी, रोमांस, ड्रामा और ज़बरदस्त संगीन था, और यही वजह है कि अपने दौर की अच्छा बिजनेस करने वाली, लोगों को हंसाने गुदगुदाने वाली फिल्म नो एंट्री बनी थी। अनिल कपूर के साथ सलमान खान, फरीद खान भी नज़र आए थे। तभी से कयास लगाए जा रहे हैं कि फिल्म में नो एंट्री का एक और भाग बनने वाला है। हालांकि अनिल कपूर स्क्रिप्ट का अभी भी इंतजार कर रहे हैं। फिल्म में पन्ने खा के प्रमोशन में जुटी पूरी कास्ट को इस हफ्ते रिलीज हो रही अपनी फिल्म के अच्छे बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की उम्मीद है। एक्टर राजकुमार राव और न्यू कुमार पीहू को उम्मीद है कि लोगों को पसंद आएगी और लोग जरूर अपने साथ संदेश लेकर आएंगे। फिल्म में ऐश्वर्या एक अलग ही रूप में नजर आएंगी। पन्ने खा 3 अगस्त को रिलीज हो रही है। फिल्म में अनिल कपूर, राजकुमार राव, ऐश्वर्या राय और पीहू मुख्य किरदार में नजर आएंगे। डायरेक्टर अतुल मंजेरकर की यह पहली निर्देशित फिल्म है। हेलो दोस्तों, अगर आप नो एंट्री मूवी को यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो मैं आपको बता दूं कि ये आपको फुल मूवी यूट्यूब पर देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि ये मूवी जैसे ही यूट्यूब पर अपलोड की जाती है यूट्यूब वाले इसे हटा देते हैं, क्योंकि मैंने भी इसे अपलोड किया था और जैसे मैंने इसे अपलोड किया यूट्यूब वालों ने इसे हटा दिया। वह इसलिए हटा देते हैं क्योंकि जो लोग यानी जो कंपनियां इस मूवी की मालिक हैं वो जो है इसे यूट्यूब पर अपलोड करने की परमिशन नहीं दे रही हैं। इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न ये है क्योंकि वे लोग इस मूवी को अभी भी पैसे लेकर दिखा रहे हैं। तो अगर आप इस मूवी को फुल देखना चाहते हैं तो भाई आपको पैसे तो खर्च करना ही पड़ेगा। आप इसके यूट्यूब पर छोटे मोटे पार्ट भले ही देख सकते हैं, लेकिन अगर आपको फुल मूवी देखनी है तो आपको उनकी साइट पर जाना होगा और पैसे देना होगा, तब आप इसे देख सकते हैं। आप यूट्यूब पर जैसे सर्च करोगे आपके सामने ऑप्शन आएगा बाई और रेंट। अगर आप इसे रेंट पर लोगे तो आप सस्ते में देख सकते हो, शायद 50 या 75 रुपये में, लेकिन अगर आप इसको ख़रीदना चाहते हैं तो आपका 250 से 350 रुपया आपको खर्चा करना पड़ेगा, तभी आप इसे देख सकते हैं। तो आई होप यू आपको जानकारी मिल गई होगी। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा इस मूवी से रिलेटेड फैक्ट और स्टोरी, इसकी ये कैसे बनाई गई थी, क्या हुआ था, जो कि काफ़ी मज़ेदार है, आपको काफ़ी मज़ा आएगा ये सब सुनने के बाद। तो अगर आप इसमें इंटरेस्ट रखते हैं तो वीडियो में बने रहिए, नहीं तो आप वीडियो छोड़ सकते हैं। दोस्तों, ऐसे ही अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। नो एंट्री 2004 में बनी हिंदी भाषा का एक हास्य चलचित्र है। इसके निर्देशन अनीस पमजी और निर्माता बोनी कपूर हैं। इसमें मुख्य भूमिका में हैं सलमान खान, अनिल कपूर, फरदीप खान, लारा दत्त, सेलिना जेठली, ईशा देवल और बिपाशा बसु। समीरा रेड्डी विशेष भूमिका में हैं। यह चलचित्र को एक तमिल चलचित्र चार्ली चैम्पियन पर आधारित है। दोस्तों, इसमें अभिनेता हैं अनिल कपूर, सलमान खान, फरजीत खान, लारा दत्त, बिपाशा बसु, ईशा देवल, बोमन ईरानी, सेलिन जेटली, समीर रेड्डी। संगीतकार हैं जो इसमें म्यूजिक दिया हुआ है अनु मलिक का, और इसकी जो रिलीज डेट थी वो थी 26 अगस्त 2004 को ये रिलीज हुई थी। देश था भारत और भाषा थी हिंदी। दोस्तों, इसकी स्टोरी के बारे में बात कर लेते हैं। किशन यानी अनिल कपूर एक अमीर समाचार संपादक होता है जो अपनी पत्नी काजल यानी लारा दत्त से बहुत प्यार करते रहता है और उसे धोखा देने के बारे में सोच भी नहीं सकता। हालांकि उसकी पत्नी को हमेशा यह डर लगा रहता है कि उसके पति का किसी और औरत के साथ चक्कर तो नहीं चल रहा है। इस कारण वो अपने पति पर ज़रूरत से ज़्यादा शक करते रहती है। प्रेम यानी सलमान खान किशन का दोस्त है और उसका हाल किशन से बिल्कुल अलग है। उसकी पत्नी पूजा यानी ईशा देवल उस पर आँख मूंद कर विश्वास करते रहती है और उसकी कहीं हर बात को सच मानते रहती है, लेकिन वो उसे ही झूठ के अलावा कभी कुछ नहीं कहता और कई लड़कियों के साथ चक्कर चलाते रहता है। शेखर यानी फरदीप खान किशन के समाचार कंपनी में काम करता है और किशन के एहसानों के बीच पूरी तरह दबा हुआ है। इस कारण वो किशन को अपने बड़े भाई मानता है और उसके लिए कुछ भी करने को तैयार रहता है। किशन भी उसे अपने छोटे भाई के रूप में मानता है। उसके साथ कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं कि उसे और संजना यानी सेलिना जेटली को एक दूसरे से प्यार हो जाता है।
इन सभी के जीवन में नया मोड़ तब आता है जब शेखर अपने कैमरे में प्रेम की उसकी कुछ प्रेमिकाओं के साथ फोटो ले लेता है और किशन उस फोटो को उसकी पत्नी को दिखाने की धमकी देता है। किसी तरह प्रेम उस कैमरे को उनसे दूर करने में सफल हो जाता है, पर वो इन सब में बचने के लिए बाबी यानी बिपाशा बसु को पैसे देकर किशन को पटाने का काम देता है। प्रेम किसी तरह किशन को बाबी से मिलने के लिए तैयार कर लेता है। किशन को पता चलता है कि उसकी बीबी अजमेर जाने वाली है, तो वो घर पर ही बाबी से मिलने का प्लान बना लेता है। काजल के घर से निकलने के बाद योजना के अनुसार बाबी उसके घर आ जाती है। वह दोनों आउट हाउस जहां शेखर रहता है में चले जाते हैं। उसकी बीबी अपना पासपोर्ट घर पर ही भूल जाती है और जब वो उसे लेने वापस जाती है तो अपने पति के साथ बाबी को देखकर शक करने लगती है। इस शक से बचने के लिए किशन बोल देता है कि बाबी असल में शेखर की पत्नी है। किशन के एहसानों से तबाह हुआ शेखर उसके झूठ में साथ देने को मजबूर हो जाता है। वही शेखर अपनी और संजना की शादी की बात करने के लिए अपने बड़े भाई के रूप में किशन को ले चलता है। इस दौरान बाबी के आ जाने के कारण संजना और उसके परिवार वालों के सामने किशन उसे अपनी पत्नी बता देता है। शेखर और संजना की शादी तय हो जाती है। शादी के दिन काजल भी आती है और किशन को पता चलता है कि काजल और संजना दोस्त हैं। किसी तरह बीमारी का नाटक कर किशन उस जगह से बच जाता है और शेखर के साथ संजना की शादी भी हो जाती है। शादी के बाद शेखर और संजना जिस होटल में हनीमून मनाते रुकते हैं उसी होटल में किशन और काजल भी रुकने आ जाते हैं। परेशानी और भी बढ़ जाती है जब बाबी भी उसी होटल में रुकने आ जाती है। जब वे सब लोग एक साथ मिलते हैं तो किशन और शेखर का सारा झूठ सामने आ जाता है। संजना और काजल अपने पति से तलाक लेने का फैसला करते हैं। उसकी शादी को बचाने के लिए प्रेम आता है और कह देता है कि बाबी उसकी दूसरी पत्नी है। यह बात उसकी पत्नी पूजा भी सुन लेती है और इस तरह तीनों का एक जैसा हाल हो जाता है। प्रेम पहाड़ से कूदकर अपनी जान देने का नाटक करते रहता है, पर उसे रोकने की कोशिश करते हुए शेखर और उन दोनों को बचाने की कोशिश में किशन भी पहाड़ से लटक जाते हैं और गिरने की कगार पर आ जाते हैं। पूजा, काजल और संजना उन्हें गिरने से बचाने के लिए रस्सी देती है, लेकिन प्रेम पहले माफ़ करने को कहता है। उन सभी को माफ़ करने के बाद वे लोग रस्सी से ऊपर आ जाते हैं और कभी ऐसी गलती दोबारा न करने का फैसला करते हैं। अंत में दिखाया जाता है कि वे तीनों सुधरने का नाटक कर रहे हैं। अब चलिए बात करते हैं चरित्र के बारे में। सलमान खान इसमें प्रेम बने हुए हैं, अनिल कपूर किशन का रोल निभा रहे हैं, फरीदन खान शेखर का रोल निभा रहे हैं, ईशा देवल पूजा यानी प्रेम की पत्नी का रोल निभा रही हैं, लारा दत्त काजल यानी किशन की पत्नी का रोल निभा रही हैं और सलीनी जेटली संजना यानी शेखर की पत्नी का रोल निभा रही हैं, बिपाशा बसु बाबी का रोल निभा रही हैं, बोमन ईरानी मंत्री का रोल निभा रही हैं और समीरा रेड्डी बीच गर्ल यानी विशिष्ट उपस्थित का रोल निभा रही हैं। चलिए बात करते हैं संगीत के बारे में। इस चलचित्र के संगीतकार थे अनु मलिक। नो एंट्री, इश्क की गली बीच सोनू निगम अली शाह चिनाय ने इसे गाया था। जस्ट लव मी, मैं अकेला सोनू निगम ने इसे गाया था और इश्क में सुनिधि चौहान केके ने गाया था। वाय वाय दिल चुरा के अलीसा चिनाय ने गाया था। हार्ट हार्ट कलयुग की लीला वंशुर दास अलीसा चिनाय और सुनिधि चौहान ने गाया था। कहाँ हो तुम कुमार सानू और उदित नारायण ने गाया था। दिल पागल है अलका यगानिक कुमार सानू के मेरे जैसा कोई नहीं अलीसा चिनाय सुनिधि चौहान ने गाया था। तो चलिए अब बॉक्स ऑफिस के बारे में बात कर लेते हैं। यह चलचित्र बहुत पसंद किया गया और ये 2005 का सबसे सफल चलचित्र था। भारत में इसकी कुल कमाई 44 मिलियन रुपए थी। साल 2005 में रिलीज हुई सुपरहिट फिल्मों में से एक थी। अनिल कपूर, सलमान खान, बिपाशा बसु और फरीदन खान स्टारर नो एंट्री। सोमवार को इस फिल्म को रिलीज हुए 14 साल हो गए हैं। शाहरुख खान ने इस फिल्म के इस सीन का एक GIF अपने ट्विटर हैंडल पर शेयर किया है। सीन में अनिल कपूर फरीदन खान को पॉजिटिव रहने की बात समझाते नजर आ रहे हैं। वीडियो के साथ कैप्शन में अनिल कपूर ने लिखा, पॉजिटिव होना मेरे खून में है। नो एंट्री को 14 साल हो गए हैं। अनिज बज्मी के
निर्देशन में बनी इस फिल्म में लारा दत्त, ईशा देओल और सेलिना जेटली ने भी अहम किरदार निभाए थे। फिल्म के प्रोड्यूसर बोनी कपूर ने भी अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर फिल्म 14 साल होने पर पोस्ट की है। बोनी कपूर ने लिखा, साल 2005 की सबसे बड़ी हिट नो एंट्री आज अपनी 14वीं एनिवर्सरी मना रही है। जल्द ही हम ज्यादा चुलबुली, ज्यादा नटखट और ज्यादा मनोरंजन वाली नो एंट्री 2 देखेंगे। शुक्रिया अनीस बजमी और प्रोजेक्ट से जुड़े सभी लोग। बता दें कि साल 2005 में रिलीज हुई फिल्म नो एंट्री के सीक्वल को लेकर पिछले काफी वक्त से बातचीत चल रही है। पहली फिल्म का निर्देशन कर चुके अनीस बजमी ही दूसरी फिल्म का निर्देशन करेंगे। कुछ रिपोर्ट में कहा गया है कि फिल्म के दूसरे पार्ट में अर्जुन कपूर नजर आएंगे। वहीं कुछ रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया है कि फिल्म में सलमान खान अहम किरदार निभाते नजर आएंगे। सोशल मीडिया पर तमाम तरह की बातें हैं, हालांकि कास्ट को लेकर आधिकारिक घोषणा अभी नहीं की गई है। जहां तक सलमान के फिल्म में होने की बात है तो सलमान फिलहाल दबंग 3, शेर खान और इंशा अल्लाह जैसे प्रोजेक्ट में बिजी हैं। साल 2005 की सुपरहिट फिल्म नो एंट्री की सीक्वल बनने को तैयार है, लेकिन हो सकता है इस फिल्म में सलमान खान नजर नहीं आए। फिल्म के निर्देशक अनीस बजमी ने कहा है कि हम चाहते हैं कि फिल्म में सलमान काम करें। उनके काम करने से फिल्म को हमेशा ही फायदा पहुंचता है। बजमी ने एक साक्षात्कार के दौरान कहा कि सलमान एक शानदार अभिनेता हैं, वो एक स्टार हैं, अलग वो इस फिल्म का हिस्सा बनते हैं तो वास्तव में बहुत अच्छा होगा, लेकिन अगर वो इसे नहीं करना चाहते तो फिल्म की कहानी के मुताबिक हम किसी दूसरे अभिनेता के बारे में विचार करेंगे। बता दें कि पिछली फिल्म नो एंट्री में सलमान के साथ अनिल कपूर, बिपाशा बसु, फरीदी खान और लारा दत्त, सैलिन जेटली, ईशा देओल और बोमन ईरानी मुख्य भूमिका में थे। गौरतलब की पिछली फिल्म में नो एंट्री में सलमान खान की छोटी सी भूमिका थी, लेकिन सलमान ने इस जिस तरह से अपने किरदार को निभाया था वह दर्शकों को काफी पसंद आया था। लेकिन अपनी व्यस्तता के कारण हो सकता है कि वह इसकी बन रही सीक्वल नो एंट्री में नजर नहीं आए। इस सुपरहिट फिल्म की कहानी के साथ फिल्म के निर्देशक पूरी तरह से तैयार हैं। उन्होंने पिछले साल एक मौके पर यह बताया था कि वो फिल्म की स्क्रिप्ट के साथ तैयार हैं और सलमान खान से डेट मिलने का इंतजार कर रहे हैं। फिलहाल फिल्म से जुड़ी अभी औपचारिक घोषणा नहीं की गई है। फिल्म के निर्देशक बोनी कपूर हैं। चर्चा है कि फिल्म से सलमान खान को रोल प्रेम अर्जुन को भी हटाया जा रहा है। खबरें ये भी हैं कि ये रोल अक्षय कुमार को भी ऑफर किया जा सकता है। फिलहाल फिल्म को लेकर चर्चा गर्म है। देखना दिलचस्प होगा कि फिल्म को लेकर क्या नया मोड़ आता है। श्रीदेवी के प्रोड्यूसर पद बोनी कपूर जल्द ही सलमान खान से मुलाकात करने वाले हैं और इस मुलाकात का मकसद है नो एंट्री के सीक्वल के लिए डेट्स फाइनल करना। दरअसल इस फिल्म के सीक्वल को लेकर पिछले काफ़ी समय से चर्चा हो रही है, मगर कब शूटिंग शुरू होगी इसके बारे में पूछे जाने पर बोनी कपूर ने जल्द ही सलमान से मुलाकात करने की बात स्वीकार की है। ऐश्वर्या जल्द मिलकर नो एंट्री के सीक्वल पर लेने वाले हैं फैसला। नो एंट्री सीक्वल की शूटिंग को लेकर पूछे गए सवाल पर बोनी ने कहा कि इसका सबसे अच्छा जवाब तो सलमान ही दे पाएंगे। उन्होंने कहा, मैंने उनके साथ इस बारे में पहले भी बातचीत की है, हम दोबारा मिलेंगे और फैसला करेंगे। मैं फिल्म माम में व्यस्त था, हम अगले कुछ सप्ताह में मिलेंगे और इस बारे में बातचीत करेंगे। आपको जानकर हैरानी होगी कि डायरेक्टर अनीस बजमी ने करीब 1.5 साल पहले सलमान को नो एंट्री के सीक्वल की कहानी सुनाई थी। सूत्रों के मुताबिक जब सलमान को कहानी सुनाई गई तो उन्हें यह पसंद आई। सलमान के अलावा अनिल कपूर और फरीद खान भी सीक्वल में दिखाई देंगे। संजय लीला भंसाली की इंशा अल्लाह के बाद सलमान खान ने अब डायरेक्टर अनीस बजमी की 14 साल पहले आई नो एंट्री के सीक्वल से अपने हाथ खींच लिए हैं। इस फिल्म को बोनी कपूर प्रोड्यूस कर रहे हैं। फिल्म से सलमान के अलग होने की पुष्टि बोनी के छोटे भाई अभिनेता अनिल कपूर ने दैनिक भास्कर से बातचीत की। अनिल कपूर ने साफ लफ्जों में कहा, हम लोग फिलहाल मेन लीड यानी प्रेम के लिए कलाकार ढूंढ रहे हैं, वह जिस दिन फाइनल हो जाएगा उसके बाद फिल्म शुरू हो जाएगी। सलमान यह फिल्म नहीं कर रहे हैं, यह क्लियर है। बाकी किरदारों के लिए भी कास्टिंग प्रेम तय होने के बाद होगी। बोनी के जिब में प्रेम की तलाश। अनिल कपूर के साथ साथ इस बारे में अनीस बजमी ने भी मौजूदा डेवलपमेंट पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा, प्रेम को ढूंढने का काम बोनी कपूर साहब के जिम्मे है। मैं राइटर आदमी हूँ, हाँ सीक्वल की कहानी मैंने लिखी है, इसका नाम नो एंट्री में एंट्री है। प्रेम के तौर पर सलमान भाई का रिप्लेंस इंडिया क्या पूरी दुनिया में नहीं है।
लिहाजा मैंने इसे तलाश करने की जिम्मेदारी बोनी जी पर छोड़ी है। वे जैसा कहेंगे मैं करूँगा। बाकी सलमान भाई से मेरे बड़े अच्छे तल्लुकात हैं, वे भी एक राइटर के बेटे हैं, लिहाजा हम जैसे राइटरों को भी पूरा सम्मान देते हैं। फिल्म के प्लांट पर अनीस बजमी कहते हैं, रहा सवाल सेकंड पार्ट के प्लाट का, तो यह पिछले पार्ट से यकीनन बड़ा होगा। पहले वाले में 3 लड़कियां और 3 लड़के थे, इस बार 10 हीरोइनों और 6 हीरो होंगे। हम इस बार BFX भी ऐड करेंगे, यह मेरी पुरानी एमिटमेंट है। बोनी जी जब कहेंगे हम शूट कर लेंगे। मूल रूप से यह सिर्फ एक्स्ट्रा मटेरियल अफेयर पर नहीं है, यह पति पत्नी के खट्टे मीठे रिश्तों की पड़ताल है। पति कुत्ते की दुम है, उसे सुधारना नहीं है। पत्नियों ने ठान रखा कि उन्हें पति को सुधार कर रखना है। इस प्लांट पर मैं आगे 4-5 से ज़्यादा कहानियाँ लिख सकता हूँ। लाइब्रेरी में रखने वाली फिल्म नो एंट्री। बजमी फिल्म के पिछले पार्ट को लेकर कहते हैं, नो एंट्री टीवी पर भी पिछले 14 सालों से कईयों ने 50 बार देखी है। वह कल्ट फिल्म है, लाइब्रेरी में रखने वाली फिल्म है। जब कभी मूड खराब हो निकालिए और देख लीजिए। सलमान खान इन दिनों काफ़ी बिजी हैं। पिछले समय से उनकी फिल्म नो एंट्री के सीक्वल को लेकर चर्चा चल रही है। कुछ समय पहले सलमान ने फिल्म के सीक्वल के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा था कि नो एंट्री का सीक्वल नहीं बन रहा। नहीं, वही डायरेक्टर अब अनीस बजमी ने कंफर्म किया कि वह जल्द ही नो एंट्री के सीक्वल पर काम शुरू करेंगे। अनीस ने बताया कि सलमान को नो एंट्री में एंट्री की कहानी काफ़ी पसंद आई है, बस अभी उनके पास कोई डेट नहीं है। मैं उनकी हाँ का इंतज़ार कर रहा हूँ। इस फिल्म में सलमान डबल रोल में दिखाई देंगे। अनीस ने कहा, मैं फिल्म की कहानी को फाइनल टच देने का काम कर रहा हूँ। फिलहाल मैं मुबारका की शूटिंग में बिजी था। इसके अलावा अनीस ने अपने स्टेटमेंट में यह भी कहा कि इस फिल्म में न सिर्फ सलमान बल्कि अनिल कपूर और फरीदन खान का भी डबल रोल होगा। फिल्म के प्रोड्यूसर बोनी कपूर ने कहा, ऐसा होगा लेकिन अभी तक यह तय नहीं हुआ है कि इस फिल्म की शूटिंग कब होगी। रेस 3 के प्रमोशन में जुटे सलमान ने हमसे हुई खास बात में बताया कि रेस 3 की रिलीज के बाद वह अपनी अगली फिल्म भारत और अरबाज खान की फिल्म दबंग 3 की शूटिंग एक साथ शुरू करेंगे। सलमान बताते हैं कि फिलहाल नो एंट्री और वांटेड के अगले भाग को बनाने की कोई प्लानिंग नहीं है। नो एंट्री के निर्देशक अनीस बजमी ने हमसे हुई बातचीत में कहा था कि उन्होंने नो एंट्री के अगले भाग की कहानी लिखकर फिल्म के निर्माता बोनी कपूर को सुना भी दी है। अनीस की माने तो सलमान को भी उनकी कहानी खूब पसंद आई थी। अनीस ने नो एंट्री की कहानी बताते हुए कहा था कि इस बार सभी हीरो के ट्रिपल रोल होंगे। सलमान ने जब नो एंट्री के अगले भाग की बात की गई तो सलमान ने साफ कहा, जी नहीं, नो एंट्री और वांटेड के अगले भाग की कोई तैयारी नहीं है। फिलहाल तो इस बारे में कोई बातचीत भी नहीं हो रही है। मैं इस समय रेस 3 के बाद, मतलब 2 महीने बाद फिल्म दबंग 3 और भारत की शूटिंग एक साथ शुरू करूंगा। इसके बाद मैं रेमो की एक डांस पर बेस्ट फिल्म शूट करूंगा। बाद में सोहेल खान की फिल्म शेर खान पर काम करेंगे। शेर खान की स्क्रिप्ट तैयार नहीं है, इसलिए उसकी डेट्स भी तय नहीं है। नो एंट्री लेकर अनीस बजमी और सलमान की अलग अलग बातों से साफ जाहिर होता है कि सलमान और अनीस का रेडी के दौरान हुआ मनमुटाव आज भी जारी है। एक तरफ जहाँ अनीस फिल्म के बनाने को लेकर कॉन्फिडेंट है, वही दूसरी ओर सलमान इस बात को सिरे से नकार रहे हैं। मीडिया से हुई खास बातचीत में अनिल कपूर ने बताया कि उनकी अगली फिल्म नो एंट्री 2 के लिए उनकी तैयारी पूरी हो चुकी है। उन्होंने बताया कि फिल्म की कहानी भी तैयार हो चुकी है। अनिल कपूर ने बताया कि फिल्म नो एंट्री के अगले भाग में मेरा ट्रिपल रोल है। उन्होंने बताया कि डबल रोल में एक्टिंग करूँगा और एक रोल प्रोड्यूसर का भी होगा। हम बहुत ही जल्द नो एंट्री 2 पर काम शुरू कर देंगे। जैसे ही हमारी फिल्म मुबारक हिट हो जाएगी, हम नो एंट्री 2 बनाने की घोषणा करेंगे। फिल्म निर्माता अनीस बजमी ने कहा कि नो एंट्री 2 की कहानी बहुत खूबसूरत है। मैं कह सकता हूँ यह 1 of the best फिल्म बन सकती है। इस फिल्म में सलमान खान, अनिल कपूर और फरीद खान के डबल रोल हैं। इसके अलावा फिल्म में 10 लड़कियाँ होंगी। फिल्म की कहानी बोनी जी और सलमान को बहुत अच्छी लगी है। सलमान तो इस कहानी को कई बार पढ़ चुके हैं और वह कई और करीबियों को भी सुना चुके हैं।
गौरतलब है कि इन दिनों अनिल कपूर मुबारका के प्रमोशन में जुटे हैं। इस फिल्म में अनिल कपूर, अर्जुन कपूर, आथिया शेट्टी, इलियाना डिक्रूजा, रत्ना पाठक शाह, पवन मल्होत्रा, नेहा शर्मा और राहुल देव हैं, जो 28 जुलाई को रिलीज होगी। बॉलीवुड एक्टर सलमान खान की आगामी फिल्मों फरहिस्त में दबंग 3 और राधे राधे के साथ नो एंट्री चुक्कल का नाम भी तय माना जा रहा है। मुंबई बॉलीवुड एक्टर सलमान खान की आगामी फिल्मों की फरहिस्त में दबंग 3 और राधे के साथ नो एंट्री चुक्कल का नाम भी तय माना जा रहा था। फिलहाल अब यह पूरी तरह से तय हो गया है कि सलमान खान अपनी सुपरहिट कॉमेडी फिल्म नो एंट्री के चुक्कल से पीछे हट गए हैं। इंशाअल्लाह के बाद इस साल की ये दूसरी ऐसी फिल्म सामने आई है जिसे करने से सलमान खान ने साफ तौर पर कर दिया है। बीते कई दिनों से इसकी चर्चा रही कि सलमान खान के पास समय की कमी होने के कारण वह नो एंट्री का सीक्वल नहीं कर पाएंगे। अब इस पर खुद उनके करीबी दोस्त अनिल कपूर और लेखक व निर्देशक अनीस बजबी का बयान सामने आया है। दैनिक भास्कर से बातचीत में अवनीश और अनिल कपूर ने इस पर खुलासा किया है। अनिल कपूर ने सलमान खान को नो एंट्री के सीक्वल में ना रहने की पुष्टि कर दी है। उन्होंने कहा है कि फिल्म की टीम नो एंट्री के प्रेम के लिए कलाकार की तलाश हो रही है। जिस दिन ये फाइनल होगा उस दिन फिल्म का नाम का काम शुरू हो जाएगा। अनिल कपूर ने आगे कहा कि ये साफ है कि सलमान खान ये फिल्म नहीं कर रहे हैं, बाकी किरदारों के लिए भी कास्टिंग प्रेम के लिए कलाकार तय होने पर की जाएगी। लेखक अनीस बजबी ने सलमान खान को लेकर अपनी राय रखते हुए कहा कि निर्माता बोनू कपूर प्रेम के लिए कलाकार की तलाश कर रहे हैं। सिक्वल की कहानी मैंने लिखी है, फिल्म का नाम नो एंट्री में एंट्री है। फन्ने खान अनिल कपूर इन दिनों फन्ने खान फिल्म के प्रमोशन में जुटे हुए हैं। अच्छी फिल्म, जबरदस्त कहानी, बेहतरीन किरदार और एक से बढ़कर एक सह कलाकारों के साथ काम करना फिल्म मेकिंग का सबसे जबरदस्त पार्ट होता है। पिता और बेटी के बीच खूबसूरत रिश्ते और आने वाले उतार चढ़ाव के बीच बनी हुई फिल्म फन्ने खान लोगों को पसंद आएगी, इसकी पूरी उम्मीद अनिल कपूर को है। हालांकि 35 वर्षों से लगातार फिल्म इंडस्ट्री में काम करने वाले अनिल कपूर अपनी हर फिल्म में हमेशा कुछ न कुछ सीखने की बात करते हैं। अनिल कपूर ने जी न्यूज से हुई खास बातचीत में बताया, लगभग एक दशक पहले रिलीज हुई फिल्म नो एंट्री को लोगों ने बहुत ज्यादा प्यार मिला था और उसके बाद से खबरें आ रही हैं कि नो एंट्री का दूसरा भाग भी बनने वाला है। हालांकि अनीस बजबी ने बोनी कपूर जी ने कई बार अपने इंटरव्यू में फिल्म की स्क्रिप्ट तैयार होने की बात की है, लेकिन जब इस बारे में हमने अनिल कपूर से पूछा तो उनका यह मानना है कि फिल्म की स्क्रिप्ट आप ही लोगों ने देखी है। फिल्म की स्क्रिप्ट मुझे भी देखनी है और क्यों नहीं, नो एंट्री करना चाहूँगा। हम बोलते हैं कि अनिल कपूर हंस पड़े। आपको बता दें कि फिल्म में नो एंट्री में कॉमेडी, रोमांस, ड्रामा और जबरदस्त संगीन था और यही वजह है कि अपने दौर की अच्छा बिजनेस करने वाली, लोगों को हंसाने गुदगुदाने वाली फिल्म नो एंट्री बनी थी। अनिल कपूर के साथ सलमान खान, फरीद खान भी नजर आए थे। तभी से कयास लगाए जा रहे हैं कि फिल्म में नो एंट्री का एक और भाग बनने वाला है। हालांकि अनिल कपूर स्क्रिप्ट का अभी भी इंतजार कर रहे हैं। फिल्म में फन्ने खान के प्रमोशन में जुटी पूरी कास्ट को इस हफ्ते रिलीज हो रही अपनी फिल्म के अच्छे बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की उम्मीद है। एक्टर राजकुमार राव और न्यू कुमार पीहू को उम्मीद है कि लोगों को पसंद आएगी और लोग जरूर अपने साथ संदेश लेकर आएंगे। फिल्म में ऐश्वर्या एक अलग ही रूप में नजर आएंगी। फन्ने खान 3 अगस्त को रिलीज हो रही है। फिल्म में अनिल कपूर, राजकुमार राव, ऐश्वर्या राय और पीहू मुख्य किरदार में नजर आएंगे। डायरेक्टर अतुल मंजेरकर की यह पहली निर्देशित फिल्म है। हेलो दोस्तों, अगर आप नो एंट्री मूवी को यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो मैं आपको बता दूं कि ये आपको फुल मूवी यूट्यूब पर देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि ये मूवी जैसे ही यूट्यूब पर अपलोड की जाती है यूट्यूब वाले इसे हटा देते हैं। क्योंकि मैंने भी इसे अपलोड किया था और जैसे ही मैंने इसे अपलोड किया यूट्यूब वालों ने इसे हटा दिया। वह इसलिए हटा देते हैं क्योंकि जो लोग यानी जो कंपनियां इस मूवी की मालिक हैं वो जो है इसे यूट्यूब पर अपलोड करने की परमिशन नहीं दे रही हैं। इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न ये है क्योंकि वे लोग इस मूवी को अभी भी पैसे लेकर दिखा रहे हैं। तो अगर आप इस मूवी को फुल देखना चाहते हैं तो भाई आपको पैसे तो खर्च करना ही पड़ेगा। आप इसके यूट्यूब पर छोटे मोटे पार्ट भले ही देख सकते हैं, लेकिन अगर आपको फुल मूवी देखनी है तो आपको उनकी साइट पर जाना होगा और पैसे देना होगा, तब आप इसे देख सकते हैं।
आप यूट्यूब पर जैसे सर्च करोगे आपके सामने ऑप्शन आएगा बाय और रेंट। अगर आप इसे रेंट पर लोगे तो आप सस्ते में देख सकते हो, शायद 50 या 75 रुपये में। लेकिन अगर आप इसको ख़रीदना चाहते हैं तो आपका 250 से 300 या 350 रुपया आपको खर्चा करना पड़ेगा, तभी आप इसे देख सकते हैं। तो आई होप यू आपको जानकारी मिल गई होगी। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा इस मूवी से रिलेटेड फैक्ट और स्टोरी, इसकी ये कैसे बनाई गई थी, क्या हुआ था, जो कि काफ़ी मज़ेदार है, आपको काफ़ी मज़ा आएगा ये सब सुनने के बाद। तो अगर आप इसमें इंटरेस्ट रखते हैं तो वीडियो में बने रहिए, नहीं तो आप वीडियो छोड़ सकते हैं। दोस्तों, ऐसे ही अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। नो एंट्री 2004 में बनी हिंदी भाषा का एक हास्य चलचित्र है। इसके निर्देशन अनीस पमजी और निर्माता बोनी कपूर हैं। इसमें मुख्य भूमिका में हैं सलमान खान, अनिल कपूर, फरदीप खान, लारा दत्त, सेलिना जेठली, ईशा देवल और बिपाशा बसु। समीरा रेड्डी विशेष भूमिका में हैं। यह चलचित्र को एक तमिल चलचित्र चार्ली चैम्पियन पर आधारित है। दोस्तों, इसमें अभिनेता हैं अनिल कपूर, सलमान खान, फरजीत खान, लारा दत्त, बिपाशा बसु, ईशा देवल, बोमन ईरानी, सेलिन जेटली, समीर रेड्डी। संगीतकार हैं जो इसमें म्यूजिक दिया हुआ है अनु मलिक का। और इसकी जो रिलीज डेट थी वो थी 26 अगस्त 2004 को ये रिलीज हुई थी। देश था भारत और भाषा थी हिंदी। दोस्तों, इसकी स्टोरी के बारे में बात कर लेते हैं। किशन यानी अनिल कपूर एक अमीर समाचार संपादक होता है जो अपनी पत्नी काजल यानी लारा दत्त से बहुत प्यार करते रहता है और उसे धोखा देने के बारे में सोच भी नहीं सकता। हालांकि उसकी पत्नी को हमेशा यह डर लगा रहता है कि उसके पद का किसी और औरत के साथ चक्कर तो नहीं चल रहा है। इस कारण वो अपने पद पर ज़रूरत से ज़्यादा शक करते रहती है। प्रेम यानी सलमान खान किशन का दोस्त है और उसका हाल किशन से बिल्कुल अलग है। उसकी पत्नी पूजा यानी ईशा देवल उस पर आँख मूंद कर विश्वास करते रहती है और उसकी कहीं हर बात को सच मानते रहती है, लेकिन वो उसे ही झूठ के अलावा कभी कुछ नहीं कहता और कई लड़कियों के साथ चक्कर चलाते रहता है। शेखर यानी फरदीप खान किशन के समाचार कंपनी में काम करता है और किशन के एहसानों के बीच पूरी तरह दबा हुआ है। इस कारण वो किशन को अपने बड़े भाई मानता है और उसके लिए कुछ भी करने को तैयार रहता है। किशन भी उसे अपने छोटे भाई के रूप में मानता है। उसके साथ कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं कि उसे और संजना यानी सेलिना जेटली को एक दूसरे से प्यार हो जाता है। इन सभी के जीवन में नया मोड़ तब आता है जब शेखर अपने कैमरे में प्रेम की उसकी कुछ प्रेमिकाओं के साथ फोटो ले लेता है और किशन उस फोटो को उसकी पत्नी को दिखाने की धमकी देता है। किसी तरह प्रेम उस कैमरे को उनसे दूर करने में सफल हो जाता है, पर वो इन सब में बचने के लिए बाबी यानी बिपाशा बसु को पैसे देकर किशन को पटाने का काम देता है। प्रेम किसी तरह किशन को बाबी से मिलने के लिए तैयार कर लेता है। किशन को पता चलता है कि उसकी बीबी अजमेर जाने वाली है तो वो घर पर ही बाबे से मिलने का प्लान बना लेता है। काजल के घर से निकलने के बाद योजना के अनुसार बाबी उसके घर आ जाती है। वे दोनों आउट हाउस जहां शेखर रहता है में चले जाते हैं। उसकी बीबी अपना पासपोर्ट घर पर ही भूल जाती है और जब वो उसे लेने वापस जाती है तो अपने पति के साथ बाबी को देख कर शक करने लगती है। इस शक से बचने के लिए किशन बोल देता है कि बाबी असल में शेखर की पत्नी है। किशन के एहसानों से तबाह हुआ शेखर उसके झूठ में साथ देने को मजबूर हो जाता है। वही शेखर अपनी और संजना की शादी की बात करने के लिए अपने बड़े भाई के रूप में किशन को ले चलता है। इस दौरान बाबी के आ जाने के कारण संजना और उसके परिवार वालों के सामने किशन उसे अपनी पत्नी बता देता है। शेखर और संजना की शादी तय हो जाती है। शादी के दिन काजल भी आती है और किशन को पता चलता है कि काजल और संजना दोस्त हैं। किसी तरह बीमारी का नाटक कर किशन उस जगह से बच जाता है और शेखर के साथ संजना की शादी भी हो जाती है। शादी के बाद शेखर और संजना जिस होटल में हनीमून मनाते रुकते हैं उसी होटल में किशन और काजल भी रुकने आ जाते हैं। परेशानी और भी बढ़ जाती है जब बाबी भी उसी होटल में रुकने आ जाती है। जब वे सब लोग एक साथ मिलते हैं तो किशन और शेखर का सारा झूठ सामने आ जाता है। संजना और काजल अपने पति से तलाक लेने का फैसला करती हैं। उसकी शादी को बचाने के लिए प्रेम
आता है और कह देता है कि बाबी उसकी दूसरी पत्नी है। यह बात उसकी पत्नी पूजा भी सुन लेती है और इस तरह तीनों का एक जैसा हाल हो जाता है। प्रेम पहाड़ से कूदकर अपनी जान देने का नाटक करते रहता है, पर उसे रोकने की कोशिश करते हुए शेखर और उन दोनों को बचाने की कोशिश में किशन भी पहाड़ से लटक जाते हैं और गिरने की कगार पर आ जाते हैं। पूजा, काजल और संजना उन्हें गिरने से बचाने के लिए रस्सी देती है, लेकिन प्रेम पहले माफ़ करने को कहता है। उन सभी को माफ़ करने के बाद वे लोग रस्सी से ऊपर आ जाते हैं और कभी ऐसी गलती दोबारा न करने का फैसला करते हैं। अंत में दिखाया जाता है कि वे तीनों सुधरने का नाटक कर रहे हैं। अब चलिए बात करते हैं चरित्र के बारे में। सलमान खान इसमें प्रेम बने हुए हैं, अनिल कपूर किशन का रोल निभा रहे हैं, फरीद दन खान शेखर का रोल निभा रहे हैं, ईशा देवल पूजा यानी प्रेम की पत्नी का रोल निभा रही हैं, लारा दत्त काजल यानी किशन की पत्नी का रोल निभा रही हैं और सलिनी जेटली संजना यानी शेखर की पत्नी का रोल निभा रही हैं, बिपाशा बसु बाबी का रोल निभा रही हैं, भुवन ईरानी मंत्री का रोल निभा रही हैं और समीरा रेड्डी बीच गर्ल यानी विशिष्ट उपस्थित का रोल निभा रही हैं। चलिए बात करते हैं संगीत के बारे में। इस चलचित्र के संगीतकार थे अनु मलिक। नो एंट्री इश्क की गली बीच सोनू निगम अली शाह चिना ने इसे गाया था। जस्ट लव मी मैं अकेला सोनू निगम ने इसे गाया था और इश्क में सुनिधि चौहान केके ने गाया था। वाय वाय दिल चुरा के अली शाह चिना ने गाया था। हॉट हॉट कलियुग की लीला वंशुर दास अली शाह चिना और सुनिधि चौहान ने गाया था। कहाँ हो तुम कुमार सानू और उदित नारायण ने गाया था। दिल पागल है अलका यगानिक कुमार सानू के मेरे जैसा कोई नहीं अली शाह चिना सुनिधि चौहान ने गाया था। तो चलिए बॉक्स ऑफिस के बारे में बात कर लेते हैं। यह चलचित्र बहुत पसंद किया गया और ये 2005 का सबसे सफल चलचित्र था। भारत में इसकी कुल कमाई 44 मिलियन रुपये थी। साल 2005 में रिलीज हुई सुपरहिट फिल्मों में से एक थी। अनिल कपूर, सलमान खान, बिपाशा बसु और फरीदन खान स्टारर नो एंट्री। सोमवार को इस फिल्म को रिलीज हुए 14 साल हो गए हैं। शाहरुख खान ने इस फिल्म के इस सीन का एक GIF अपने ट्विटर हैंडल पर शेयर किया है। सीन में अनिल कपूर फरीदन खान को पॉजिटिव रहने की बात समझाते नजर आ रहे हैं। वीडियो के साथ कैप्शन में अनिल कपूर ने लिखा, पॉजिटिव होना मेरे खून में है। नो एंट्री को 14 साल हो गए हैं। अनीज बजमी के निर्देशन में बनी इस फिल्म में लारा दत्त, ईशा देवल और सेलिना जेटली ने भी अहम किरदार निभाए थे। फिल्म के प्रोड्यूसर बोनी कपूर ने भी अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर फिल्म 14 साल होने पर पोस्ट की है। बोनी कपूर ने लिखा, साल 2005 की सबसे बड़ी हिट नो एंट्री आज अपनी 14वीं एनिवर्सरी मना रही है। जल्दी हम ज्यादा चुलबुली, ज्यादा नटखट और ज्यादा मनोरंजन वाली नो एंट्री 2 देखेंगे। शुक्रिया अनीस बजमी और प्रोजेक्ट से जुड़े सभी लोग। बता दें कि साल 2005 में रिलीज हुई फिल्म नो एंट्री के सीक्वल को लेकर पिछले काफी वक्त से बातचीत चल रही है। पहली फिल्म का निर्देशन कर चुके अनीस बजमी ही दूसरी फिल्म का निर्देशन करेंगे। कुछ रिपोर्ट में कहा गया है कि फिल्म के दूसरे पार्ट में अर्जुन कपूर नजर आएंगे। वहीं कुछ रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया है कि फिल्म में सलमान खान अहम किरदार निभाते नजर आएंगे। सोशल मीडिया पर तमाम तरह की बातें हैं, हालांकि कास्ट को लेकर आधिकारिक घोषणा अभी नहीं की गई है। जहां तक सलमान के फिल्म में होने की बात है तो सलमान फिलहाल दबंग 3, शेर खान और इंशा अल्लाह जैसे प्रोजेक्ट में बिजी हैं। साल 2005 की सुपरहिट फिल्म नो एंट्री की सीक्वल बनने को तैयार है, लेकिन हो सकता है इस फिल्म में सलमान खान नजर नहीं आए। फिल्म के निर्देशक अनीस बजमी ने कहा है कि हम चाहते हैं कि फिल्म में सलमान काम करें। उनके काम करने से फिल्म को हमेशा ही फायदा पहुंचता है। बजमी ने एक साक्षात्कार के दौरान कहा कि सलमान एक शानदार अभिनेता हैं, वो एक स्टार हैं, अलग वो इस फिल्म का हिस्सा बनते हैं तो वास्तव में बहुत अच्छा होगा, लेकिन अगर वो इसे नहीं करना चाहते तो फिल्म की कहानी के मुताबिक हम किसी दूसरे अभिनेता के बारे में विचार करेंगे। बता दें कि पिछली फिल्म नो एंट्री में सलमान के साथ अनिल कपूर, बिपाशा बसु, फरीदी खान और लारा दत्त, सैलिन जेटली, ईशा देवल और बोमन ईरानी मुख्य भूमिका में थे। गौरतलब की पिछली फिल्म में नो एंट्री में सलमान खान की छोटी सी भूमिका थी, लेकिन सलमान ने इस जिस तरह से अपने किरदार को निभाया था वह दर्शकों को काफ़ी पसंद आया था। लेकिन अपनी व्यस्तता के कारण हो सकता है कि वह इसके बन रही सीक्वल नो एंट्री में एंट्री
में नजर नहीं आए। इस सुपरहिट फिल्म की कहानी के साथ फिल्म के निर्देशक पूरी तरह से तैयार हैं। उन्होंने पिछले साल एक मौके पर यह बताया था कि वो फिल्म की स्क्रिप्ट के साथ तैयार है और सलमान खान से डेट मिलने का इंतजार कर रहे हैं। फिलहाल फिल्म से जुड़ी अभी औपचारिक घोषणा नहीं की गई है। फिल्म के निर्देशक बोनी कपूर हैं। चर्चा है कि फिल्म से सलमान खान को रोल प्रेम अर्जुन को भी हटाया जा रहा है। खबरें ये भी हैं कि ये रोल अक्षय कुमार को भी ऑफर किया जा सकता है। फिलहाल फिल्म को लेकर चर्चा गर्म है। देखना दिलचस्प होगा कि फिल्म को लेकर क्या नया मोड़ आता है। श्रीदेवी के प्रोड्यूसर पद बोनी कपूर जल्द ही सलमान खान से मुलाकात करने वाले हैं और इस मुलाकात का मकसद है नो एंट्री के सीक्वल के लिए डेट्स फाइनल करना। दरअसल इस फिल्म के सीक्वल को लेकर पिछले काफ़ी समय से चर्चा हो रही है, मगर कब शूटिंग शुरू होगी इसके बारे में पूछे जाने पर बोनी कपूर ने जल्द ही सलमान से मुलाकात करने की बात स्वीकार की है। असर्रा जल्द मिलकर नो एंट्री के सीक्वल पर लेने वाले हैं फैसला। नो एंट्री सीक्वल की शूटिंग को लेकर पूछे गए सवाल पर बोनी ने कहा कि इसका सबसे अच्छा जवाब तो सलमान ही दे पाएंगे। उन्होंने कहा, मैंने उनके साथ इस बारे में पहले भी बातचीत की है, हम दोबारा मिलेंगे और फैसला करेंगे। मैं फिल्म माम में व्यस्त था, हम अगले कुछ सप्ताह में मिलेंगे और इस बारे में बातचीत करेंगे। आपको जानकर हैरानी होगी कि डायरेक्टर अनीस बज्मी ने करीब 1.5 साल पहले सलमान को नो एंट्री के सीक्वल की कहानी सुनाई थी। सूत्रों के मुताबिक जब सलमान को कहानी सुनाई गई तो उन्हें यह पसंद आई। सलमान के अलावा अनिल कपूर और फरीद खान भी सीक्वल में दिखाई देंगे। संजय लीला भंसाली की इंशाअल्लाह के बाद सलमान खान ने अब डायरेक्टर अनीस बज्मी की 14 साल पहले आई नो एंट्री के सीक्वल से अपने हाथ खींच लिए हैं। इस फिल्म को बोनी कपूर प्रोड्यूस कर रहे हैं। फिल्म से सलमान के अलग होने की पुष्टि बोनी के छोटे भाई अभिनेता अनिल कपूर ने दैनिक भास्कर से बातचीत की। अनिल कपूर ने साफ लफ्जों में कहा, हम लोग फिलहाल मेन लीड यानी प्रेम के लिए कलाकार ढूंढ रहे हैं। वह जिस दिन फाइनल हो जाएगा उसके बाद फिल्म शुरू हो जाएगी। सलमान यह फिल्म नहीं कर रहे हैं, यह क्लियर है। बाकी किरदारों के लिए भी कास्टिंग प्रेम तय होने के बाद होगी। बोनी के जिब में प्रेम की तलाश। अनिल कपूर के साथ साथ इस बारे में अनीस बज्मी ने भी मौजूदा डेवलपमेंट पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा, प्रेम को ढूंढने का काम बोनी कपूर साहब के जिम्मे है। मैं राइटर आदमी हूँ, हाँ सीक्वल की कहानी मैंने लिखी है, इसका नाम नो एंट्री में एंट्री है। प्रेम के तौर पर सलमान भाई का रिप्लेंस इंडिया क्या पूरी दुनिया में नहीं है, लिहाजा मैंने इसे तलाश करने की जिम्मेदारी बोनी जी पर छोड़ी है। वे जैसा कहेंगे मैं करूंगा। बाकी सलमान भाई से मेरे बड़े अच्छे तल्लुकात हैं, वे भी एक राइटर के बेटे हैं, लिहाजा हम जैसे राइटरों को भी पूरा सम्मान देते हैं। फिल्म के प्लांट पर अनीस बज्मी कहते हैं, रहा सवाल सेकंड पार्ट के प्लाट का, तो यह पिछले पार्ट से यकीनन बड़ा होगा। पहले वाले में 3 लड़कियां और 3 लड़के थे, इस बार 10 हीरोइनों और 6 हीरो होंगे। हम इस बार BFX भी ऐड करेंगे, यह मेरी पुरानी एमिटमेंट है। बोनी जी जब कहेंगे हम शूट कर लेंगे। मूल रूप से यह सिर्फ एक्स्ट्रा मटेरियल अफेयर पर नहीं है, यह पति पत्नी के खट्टे मीठे रिश्तों की पड़ताल है। पति कुत्ते की दुम है, उसे सुधारना नहीं है। पत्नियों ने ठान रखा कि उन्हें पद को सुधार कर रखना है। इस प्लाट पर मैं आगे 4-5 से ज़्यादा कहानियाँ लिख सकता हूँ। लाइब्रेरी में रखने वाली फिल्म नो एंट्री। बज्मी फिल्म के पिछले पार्ट को लेकर कहते हैं, नो एंट्री टीवी पर भी पिछले 14 सालों से कईयों ने 50 बार देखी है। वह कल्ट फिल्म है, लाइब्रेरी में रखने वाली फिल्म है। जब कभी मूड खराब हो निकालिए और देख लीजिए। सलमान खान इन दिनों काफ़ी बिजी हैं। पिछले समय से उनकी फिल्म नो एंट्री के सीक्वल को लेकर चर्चा चल रही है। कुछ समय पहले सलमान ने फिल्म के सीक्वल के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा था कि नो एंट्री का सीक्वल नहीं बन रहा। नहीं, वही डायरेक्टर अब अनीस बज्मी ने कंफर्म किया कि वह जल्द ही नो एंट्री के सीक्वल पर काम शुरू करेंगे। अनीस ने बताया कि सलमान को नो एंट्री में एंट्री की कहानी काफ़ी पसंद आई है, बस अभी उनके पास कोई डेट नहीं है। मैं उनकी हाँ का इंतजार कर रहा हूँ। इस फिल्म में सलमान डबल रोल में दिखाई देंगे। अनीस ने कहा, मैं फिल्म की कहानी को फाइनल टच देने का काम कर रहा हूँ। फिलहाल मैं मुबारका की शूटिंग में बिजी था। इसके अलावा अनीस ने अपने
स्टेटमेंट में यह भी कहा कि इस फिल्म में न सिर्फ सलमान बल्कि अनिल कपूर और फरीदन खान का भी डबल रोल होगा। फिल्म के प्रोड्यूसर बोनी कपूर ने कहा ऐसा होगा, लेकिन अभी तक यह तय नहीं हुआ है कि इस फिल्म की शूटिंग कब होगी। रेस 3 के प्रमोशन में जुटे सलमान ने हमसे हुई खास बात में बताया कि रेस 3 की रिलीज के बाद वह अपनी अगली फिल्म भारत और अरबाज खान की फिल्म दबंग 3 की शूटिंग एक साथ शुरू करेंगे। सलमान बताते हैं कि फिलहाल नो एंट्री और वांटेड के अगले भाग को बनाने की कोई प्लानिंग नहीं है। नो एंट्री के निर्देशक अनीस बजमी ने हमसे हुई बातचीत में कहा था कि उन्होंने नो एंट्री के अगले भाग की कहानी लिखकर फिल्म के निर्माता बोनी कपूर को सुना भी दी है। अनीस की माने तो सलमान को भी उनकी कहानी खूब पसंद आई थी। अनीस ने नो एंट्री की कहानी बताते हुए कहा था कि इस बार सभी हीरो के ट्रिपल रोल होंगे। सलमान ने जब नो एंट्री के अगले भाग की बात की गई तो सलमान ने साफ कहा जी नहीं, नो एंट्री और वांटेड के अगले भाग की कोई तैयारी नहीं है, फिलहाल तो इस बारे में कोई बातचीत भी नहीं हो रही है। मैं इस समय रेस 3 के बाद मतलब 2 महीने बाद फिल्म दबंग 3 और भारत की शूटिंग एक साथ शुरू करूंगा। इसके बाद मैं रेमो की एक डांस पर बेस्ट फिल्म शूट करूंगा। बाद में सोहेल खान की फिल्म शेर खान पर काम करेंगे। शेर खान की स्क्रिप्ट तैयार नहीं है, इसलिए उसकी डेट्स भी तय नहीं है। नो एंट्री लेकर अनीस बजमी और सलमान की अलग अलग बातों से साफ जाहिर होता है कि सलमान और अनीस का रेडी के दौरान हुआ मनमुटाव आज भी जारी है। एक तरफ जहां अनीस फिल्म के बनाने को लेकर कॉन्फिडेंट है, वहीं दूसरी ओर सलमान इस बात को सिरे से नकार रहे हैं। मीडिया से हुई खास बातचीत में अनिल कपूर ने बताया कि उनकी अगली फिल्म नो एंट्री 2 के लिए उनकी तैयारी पूरी हो चुकी है। उन्होंने बताया कि फिल्म की कहानी भी तैयार हो चुकी है। अनिल कपूर ने बताया कि फिल्म नो एंट्री के अगले भाग में मेरा ट्रिपल रोल है। उन्होंने बताया कि डबल रोल में एक्टिंग करूँगा और एक रोल प्रोड्यूसर का भी होगा। हम बहुत ही जल्द नो एंट्री 2 पर काम शुरू कर देंगे। जैसे ही हमारी फिल्म मुबारक हिट हो जाएगी, हम नो एंट्री 2 बनाने की घोषणा करेंगे। फिल्म निर्माता अनीस बजमी ने कहा कि नो एंट्री 2 की कहानी बहुत खूबसूरत है। मैं कह सकता हूँ यह वन ऑफ द बेस्ट फिल्म बन सकती है। इस फिल्म में सलमान खान, अनिल कपूर और फरीद खान के डबल रोल हैं। इसके अलावा फिल्म में 10 लड़कियाँ होंगी। फिल्म की कहानी बोनी जी और सलमान को बहुत अच्छी लगी है। सलमान तो इस कहानी को कई बार पढ़ चुके हैं और वह कई और करीबियों को भी सुना चुके हैं। गौरतलब है कि इन दिनों अनिल कपूर मुबारका के प्रमोशन में जुटे हैं। इस फिल्म में अनिल कपूर, अर्जुन कपूर, आथिया शेट्टी, इलियाना डिक्रूजा, रत्ना पाठक, शाह व पवन मल्होत्रा, नेहा शर्मा और राहुल देव हैं, जो 28 जुलाई को रिलीज होगी। बॉलीवुड एक्टर सलमान खान की आगामी फिल्मों फरहिस्त में दबंग 3 और राधे राधे के साथ नो एंट्री सीक्वल का नाम भी तय माना जा रहा है। मुंबई बॉलीवुड एक्टर सलमान खान की आगामी फिल्मों की फरहिस्त में दबंग 3 और राधे के साथ नो एंट्री सीक्वल का नाम भी तय माना जा रहा था। फिलहाल अब यह पूरी तरह से तय हो गया है कि सलमान खान अपनी सुपरहिट कॉमेडी फिल्म नो एंट्री के सीक्वल से पीछे हट गए हैं। इंशाल्लाह के बाद इस साल की ये दूसरी ऐसी फिल्म सामने आई है जिसे करने से सलमान खान ने साफ तौर पर कर दिया है। बीते कई दिनों से इसकी चर्चा रही कि सलमान खान के पास समय की कमी होने के कारण वह नो एंट्री का सीक्वल नहीं कर पाएंगे। अब इस पर खुद उनके करीबी दोस्त अनिल कपूर और लेखक व निर्देशक अनीस बजमी का बयान सामने आया है। दैनिक भास्कर से बातचीत में अवनीश और अनिल कपूर ने इस पर खुलासा किया है। अनिल कपूर ने सलमान खान को नो एंट्री के सीक्वल में ना रहने की पुष्टि कर दी है। उन्होंने कहा है कि फिल्म की टीम नो एंट्री के प्रेम के लिए कलाकार की तलाश हो रही है। जिस दिन ये फाइनल होगा उस दिन फिल्म का नाम का काम शुरू हो जाएगा। अनिल कपूर ने आगे कहा कि ये साफ है कि सलमान खान ये फिल्म नहीं कर रहे हैं। बाकी किरदारों के लिए भी कास्टिंग प्रेम के लिए कलाकार तय होने पर की जाएगी। लेखक अनीस बजमी ने सलमान खान को लेकर अपनी राय रखते हुए कहा कि निर्माता बोनू कपूर प्रेम के लिए कलाकार की तलाश कर रहे हैं। सीक्वल की कहानी मैंने लिखी है। फिल्म का नाम नो एंट्री में एंट्री है। फन्ने खान अनिल कपूर इन दिनों फन्ने खान फिल्म के प्रमोशन में जुटे हुए हैं। अच्छी फिल्म, जबरदस्त कहानी, बेहतरीन किरदार और एक से बढ़कर एक सह कलाकारों के साथ काम करना फिल्म मेकिंग का सबसे जबरदस्त पार्ट होता है। पिता और बेटी के बीच खूबसूरत रिश्ते और आने वाले उतार चढ़ाव के बीच बनी हुई फिल्म फन्ने खान लोगों को पसंद आएगी। इसकी पूरी उम्मीद अनिल कपूर
को है। हालांकि 35 वर्षों से लगातार फिल्म इंडस्ट्री में काम करने वाले अनिल कपूर अपनी हर फिल्म में हमेशा कुछ न कुछ सीखने की बात करते हैं। अनिल कपूर ने जी न्यूज से हुई खास बातचीत में बताया, लगभग एक दशक पहले रिलीज हुई फिल्म नो एंट्री को लोगों ने बहुत ज्यादा प्यार मिला था और उसके बाद से खबरें आ रही हैं कि नो एंट्री का दूसरा भाग भी बनने वाला है। हालांकि अनीस बजबी ने बोनी कपूर जी ने कई बार अपने इंटरव्यू में फिल्म की स्क्रिप्ट तैयार होने की बात की है, लेकिन जब इस बारे में हमने अनिल कपूर से पूछा तो उनका यह मानना है कि फिल्म की स्क्रिप्ट आप ही लोगों ने देखी है। फिल्म की स्क्रिप्ट मुझे भी देखनी है और क्यों नहीं, नो एंट्री करना चाहूँगा। हम बोलते हैं कि अनिल कपूर हंस पड़े। आपको बता दें कि फिल्म में नो एंट्री में कॉमेडी, रोमांस, ड्रामा और ज़बरदस्त संगीन था और यही वजह है कि अपने दौर की अच्छा बिजनेस करने वाली, लोगों को हंसाने गुदगुदाने वाली फिल्म नो एंट्री बनी थी। अनिल कपूर के साथ सलमान खान, फरीद खान भी नज़र आए थे। तभी से कयास लगाए जा रहे हैं कि फिल्म में नो एंट्री का एक और भाग बनने वाला है। हालांकि अनिल कपूर स्क्रिप्ट का अभी भी इंतजार कर रहे हैं। फिल्म में फन्ने खा के प्रमोशन में जुटी पूरी कास्ट को इस हफ्ते रिलीज हो रही अपनी फिल्म के अच्छे बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की उम्मीद है। एक्टर राजकुमार राव और न्यू कुमार पीहू को उम्मीद है कि लोगों को पसंद आएगी और लोग जरूर अपने साथ संदेश लेकर आएंगे। फिल्म में ऐश्वर्या एक अलग ही रूप में नजर आएंगी। फन्ने खा 3 अगस्त को रिलीज हो रही है। फिल्म में अनिल कपूर, राजकुमार राव, ऐश्वर्या राय और पीहू मुख्य किरदार में नजर आएंगे। डायरेक्टर अतुल मंजेरकर की यह पहली निर्देशित फिल्म है। हेलो दोस्तों, अगर आप नो एंट्री मूवी को यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो मैं आपको बता दूं कि ये आपको फुल मूवी यूट्यूब पर देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि ये मूवी जैसे ही यूट्यूब पर अपलोड की जाती है यूट्यूब वाले इसे हटा देते हैं। क्योंकि मैंने भी इसे अपलोड किया था और जैसे मैंने इसे अपलोड किया यूट्यूब वालों ने इसे हटा दिया। वह इसलिए हटा देते हैं क्योंकि जो लोग यानी जो कंपनियां इस मूवी की मालिक हैं वो जो है इसे यूट्यूब पर अपलोड करने की परमिशन नहीं दे रही हैं। इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न ये है क्योंकि वे लोग इस मूवी को अभी भी पैसे लेकर दिखा रहे हैं। तो अगर आप इस मूवी को फुल देखना चाहते हैं तो भाई आपको पैसे तो खर्च करना ही पड़ेगा। आप इसके यूट्यूब पर छोटे मोटे पार्ट भले ही देख सकते हैं, लेकिन अगर आपको फुल मूवी देखनी है तो आपको उनकी साइट पर जाना होगा और पैसे देना होगा, तब आप इसे देख सकते हैं। आप यूट्यूब पर जैसे सर्च करोगे आपके सामने ऑप्शन आएगा बाई और रेंट। अगर आप इसे रेंट पर लोगे तो आप सस्ते में देख सकते हो, शायद 50 या 75 रुपये में, लेकिन अगर आप इसको ख़रीदना चाहते हैं तो आपका 250 से 350 रुपया आपको खर्चा करना पड़ेगा, तभी आप इसे देख सकते हैं। तो आई होप यू आपको जानकारी मिल गई होगी। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा इस मूवी से रिलेटेड फैक्ट और स्टोरी, इसकी ये कैसे बनाई गई थी, क्या हुआ था, जो कि काफ़ी मज़ेदार है, आपको काफ़ी मज़ा आएगा ये सब सुनने के बाद। तो अगर आप इसमें इंटरेस्ट रखते हैं तो वीडियो में बने रहिए, नहीं तो आप वीडियो छोड़ सकते हैं। दोस्तों, ऐसे ही अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। नो एंट्री 2004 में बनी हिंदी भाषा का एक हास्य चलचित्र है। इसके निर्देशन अनीस पमजी और निर्माता बोनी कपूर हैं। इसमें मुख्य भूमिका में हैं सलमान खान, अनिल कपूर, फरदीप खान, लारा दत्त, सेलिना जेठली, ईशा देवल और बिपाशा बसु। समीरा रेड्डी विशेष भूमिका में हैं। यह चलचित्र को एक तमिल चलचित्र चार्ली चैम्पलिन पर आधारित है। दोस्तों, इसमें अभिनेता हैं अनिल कपूर, सलमान खान, फरजीत खान, लारा दत्त, बिपाशा बसु, ईशा देवल, बोमन ईरानी, सेलिन जेटली, समीर रेड्डी। संगीतकार हैं जो इसमें म्यूजिक दिया हुआ है अनु मल्लिक का, और इसकी जो रिलीज डेट थी वो थी 26 अगस्त 2004 को ये रिलीज हुई थी। देश था भारत और भाषा थी हिंदी। दोस्तों, इसकी स्टोरी के बारे में बात कर लेते हैं। किशन यानी अनिल कपूर एक अमीर समाचार संपादक होता है जो अपनी पत्नी काजल यानी लारा दत्त से बहुत प्यार करते रहता है और उसे धोखा देने के बारे में सोच भी नहीं सकता। हालांकि उसकी पत्नी को हमेशा यह डर लगा रहता है कि उसके पति का किसी और औरत के साथ चक्कर तो नहीं चल रहा है। इस कारण वो अपने पद पर ज़रूरत से ज़्यादा शक करते रहती है। प्रेम यानी सलमान खान किशन का दोस्त है और उसका हाल किशन से बिल्कुल अलग है। उसकी पत्नी पूजा यानी ईशा देवल उस पर आँख मूंद कर विश्वास करते रहती है और उसकी कहीं हर बात को सच मानते रहती है, लेकिन वो उसे ही झूठ के अलावा कभी कुछ नहीं कहता और कई लड़कियों के साथ चक्कर चलाते रहता है। शेखर यानी फरदीप खान किशन के समाचार कंपनी में काम करता है और किशन के एहसानों के बीच
पूरी तरह दबा हुआ है। इस कारण वो किशन को अपने बड़े भाई मानता है और उसके लिए कुछ भी करने को तैयार रहता है। किशन भी उसे अपने छोटे भाई के रूप में मानता है। उसके साथ कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं कि उसे और संजना यानी सेलिना जेटली को एक दूसरे से प्यार हो जाता है। इन सभी के जीवन में नया मोड़ तब आता है जब शेखर अपने कैमरे में प्रेम की उसकी कुछ प्रेमिकाओं के साथ फोटो ले लेता है और किशन उस फोटो को उसकी पत्नी को दिखाने की धमकी देता है। किसी तरह प्रेम उस कैमरे को उनसे दूर करने में सफल हो जाता है, पर वो इन सब में बचने के लिए बाबी यानी विपाशा बसु को पैसे देकर किशन को पटाने का काम देता है। प्रेम किसी तरह किशन को बाबी से मिलने के लिए तैयार कर लेता है। किशन को पता चलता है कि उसकी बीबी अजमेर जाने वाली है, तो वो घर पर ही बाबे से मिलने का प्लान बना लेता है। काजल के घर से निकलने के बाद योजना के अनुसार बाबी उसके घर आ जाती है। वह दोनों आउट हाउस जहां शेखर रहता है में चले जाते हैं। उसकी बीबी अपना पासपोर्ट घर पर ही भूल जाती है और जब वो उसे लेने वापस जाती है तो अपने पति के साथ बाबी को देख कर शक करने लगती है। इस शक से बचने के लिए किशन बोल देता है कि बाबी असल में शेखर की पत्नी है। किशन के एहसानों से तबाह हुआ शेखर उसके झूठ में साथ देने को मजबूर हो जाता है। वही शेखर अपनी और संजना की शादी की बात करने के लिए अपने बड़े भाई के रूप में किशन को ले चलता है। इस दौरान बाबी के आ जाने के कारण संजना और उसके परिवार वालों के सामने किशन उसे अपनी पत्नी बता देता है। शेखर और संजना की शादी तय हो जाती है। शादी के दिन काजल भी आती है और किशन को पता चलता है कि काजल और संजना दोस्त हैं। किसी तरह बीमारी का नाटक कर किशन उस जगह से बच जाता है और शेखर के साथ संजना की शादी भी हो जाती है। शादी के बाद शेखर और संजना जिस होटल में हनीमून मनाते रुकते हैं उसी होटल में किशन और काजल भी रुकने आ जाते हैं। परेशानी और भी बढ़ जाती है जब बाबी भी उसी होटल में रुकने आ जाती है। जब वे सब लोग एक साथ मिलते हैं तो किशन और शेखर का सारा झूठ सामने आ जाता है। संजना और काजल अपने पति से तलाक लेने का फैसला करती हैं। उसकी शादी को बचाने के लिए प्रेम आता है और कह देता है कि बाबी उसकी दूसरी पत्नी है। ये बात उसकी पत्नी पूजा भी सुन लेती है और इस तरह तीनों का एक जैसा हाल हो जाता है। प्रेम पहाड़ से कूद कर अपनी जान देने का नाटक करते रहता है, पर उसे रोकने की कोशिश करते हुए शेखर और उन दोनों को बचाने की कोशिश में किशन भी पहाड़ से लटक जाते हैं और गिरने की कगार पर आ जाते हैं। पूजा, काजल और संजना उन्हें गिरने से बचाने के लिए रस्सी देती है, लेकिन प्रेम पहले माफ़ करने को कहता है। उन सभी को माफ़ करने के बाद वे लोग रस्सी से ऊपर आ जाते हैं और कभी ऐसी गलती दोबारा न करने का फैसला करते हैं। अंत में दिखाया जाता है कि वे तीनों सुधरने का नाटक कर रहे हैं। अब चलिए बात करते हैं चरित्र के बारे में। सलमान खान इसमें प्रेम बने हुए हैं। अनिल कपूर किशन का रोल निभा रहे हैं। फरीदन खान शेखर का रोल निभा रहे हैं। ईशा देवल पूजा यानी प्रेम की पत्नी का रोल निभा रही हैं। लारा दत्त काजल यानी किशन की पत्नी का रोल निभा रही हैं और सेलिनी जेटली संजना यानी शेखर की पत्नी का रोल निभा रही हैं। विपाशा बसु बाबी का रोल निभा रही हैं। बोमन ईरानी मंत्री का रोल निभा रही हैं और समीरा रेड्डी बीच गर्ल यानी विशिष्ट उपस्थित का रोल निभा रही हैं। चलिए बात करते हैं संगीत के बारे में। इस चलचित्र के संगीतकार थे अनु मलिक। नो एंट्री इश्क की गली बीच सोनू निगम अली शाह चिना ने इसे गाया था। जस्ट लव मी मैं अकेला सोनू निगम ने इसे गाया था और इश्क में सुनिधि चौहान के ने गाया था। वाय वाय दिल चुरा के अलीसा चिनाय ने गाया था। हॉट हॉट कलयुग की लीला वंशुर दास अलीसा चिनाय और सुनिधि चौहान ने गाया था। कहाँ हो तुम कुमार सानू और उदित नारायण ने गाया था। दिल पागल है अलका यगानिक कुमार सानू के मेरे जैसा कोई नहीं अलीसा चिनाय सुनिधि चौहान ने गाया था। तो चलिए अब बॉक्स ऑफिस के बारे में बात कर लेते हैं। यह चलचित्र बहुत पसंद किया गया और ये 2005 का सबसे सफल चलचित्र था। भारत में इसकी कुल कमाई 44 मिलियन रुपए थी। साल 2005 में रिलीज हुई सुपरहिट फिल्मों में से एक थी। अनिल कपूर, सलमान खान, विपाशा बसु और फरीदन खान स्टारर नो एंट्री। सोमवार को इस फिल्म को रिलीज हुए 14 साल हो गए हैं। शाहरुख
खान ने इस फिल्म के इस सीन का एक GIF अपने ट्विटर हैंडल पर शेयर किया है। सीन में अनिल कपूर फरीदन खान को पॉजिटिव रहने की बात समझाते नजर आ रहे हैं। वीडियो के साथ कैप्शन में अनिल कपूर ने लिखा, पॉजिटिव होना मेरे खून में है। नो इंटरव्यू को 14 साल हो गए हैं। अनीज बज्मी के निर्देशन में बनी इस फिल्म में लारा दत्त, ईशा देओल और सेलिना जेटली ने भी अहम किरदार निभाए थे। फिल्म के प्रोड्यूसर बोनी कपूर ने भी अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर फिल्म 14 साल होने पर पोस्ट की है। बोनी कपूर ने लिखा, साल 2005 की सबसे बड़ी हिट नो एंट्री आज अपनी 14वीं एनिवर्सरी मना रही है। जल्द ही हम ज्यादा चुलबुली, ज्यादा नटखट और ज्यादा मनोरंजन वाली नो एंट्री 2 देखेंगे। शुक्रिया अनीस बज्मी और प्रोजेक्ट से जुड़े सभी लोग। बता दें कि साल 2005 में रिलीज हुई फिल्म नो एंट्री के सीक्वल को लेकर पिछले काफी वक्त से बातचीत चल रही है। पहली फिल्म का निर्देशन कर चुके अनीस बज्मी ही दूसरी फिल्म का निर्देशन करेंगे। कुछ रिपोर्ट में कहा गया है कि फिल्म के दूसरे पार्ट में अर्जुन कपूर नजर आएंगे। वही कुछ रिपोर्ट्स में ये भी कहा गया है कि फिल्म में सलमान खान अहम किरदार निभाते नजर आएंगे। सोशल मीडिया पर तमाम तरह की बातें हैं, हालांकि कास्ट को लेकर आधिकारिक घोषणा अभी नहीं की गई है। जहां तक सलमान के फिल्म में होने की बात है तो सलमान फिलहाल दबंग 3, शेर खान और इंशा अल्लाह जैसे प्रोजेक्ट में बिजी हैं। साल 2005 की सुपरहिट फिल्म नो एंट्री की सीक्वल बनने को तैयार है, लेकिन हो सकता है इस फिल्म में सलमान खान नजर नहीं आए। फिल्म के निर्देशक अनीस बज्मी ने कहा है कि हम चाहते हैं कि फिल्म में सलमान काम करें। उनके काम करने से फिल्म को हमेशा ही फायदा पहुंचता है। बज्मी ने एक साक्षात्कार के दौरान कहा कि सलमान एक शानदार अभिनेता हैं, वो एक स्टार हैं, अलग वो इस फिल्म का हिस्सा बनते हैं तो वास्तव में बहुत अच्छा होगा, लेकिन अगर वो इसे नहीं करना चाहते तो फिल्म की कहानी के मुताबिक हम किसी दूसरे अभिनेता के बारे में विचार करेंगे। बता दें कि पिछली फिल्म नो एंट्री में सलमान के साथ अनिल कपूर, बिपाशा बसु, फरीदी खान और लारा दत्त, सैलिन जेटली, ईशा देओल और बोमन ईरानी मुख्य भूमिका में थे। गौरतलब कि पिछली फिल्म में नो एंट्री में सलमान खान की छोटी सी भूमिका थी, लेकिन सलमान ने इस जिस तरह से अपने किरदार को निभाया था वह दर्शकों को काफ़ी पसंद आया था। लेकिन अपनी व्यस्तता के कारण हो सकता है कि वह इसकी बन रही सीक्वल नो एंट्री में नजर नहीं आए। इस सुपरहिट फिल्म की कहानी के साथ फिल्म के निर्देशक पूरी तरह से तैयार हैं। उन्होंने पिछले साल एक मौके पर यह बताया था कि वो फिल्म की स्क्रिप्ट के साथ तैयार हैं और सलमान खान से डेट मिलने का इंतजार कर रहे हैं। फिलहाल फिल्म से जुड़ी अभी औपचारिक घोषणा नहीं की गई है। फिल्म के निर्देशक बोनी कपूर हैं। चर्चा है कि फिल्म से सलमान खान को रोल प्रेम अर्जुन को भी हटाया जा रहा है। खबरें ये भी हैं कि ये रोल अक्षय कुमार को भी ऑफर किया जा सकता है। फिलहाल फिल्म को लेकर चर्चा गर्म है। देखना दिलचस्प होगा कि फिल्म को लेकर क्या नया मोड़ आता है। श्रीदेवी के प्रोड्यूसर पद बोनी कपूर जल्द ही सलमान खान से मुलाकात करने वाले हैं और इस मुलाकात का मकसद है नो एंट्री के सीक्वल के लिए डेट्स फाइनल करना। दरअसल इस फिल्म के सीक्वल को लेकर पिछले काफ़ी समय से चर्चा हो रही है, मगर कब शूटिंग शुरू होगी इसके बारे में पूछे जाने पर बोनी कपूर ने जल्द ही सलमान से मुलाकात करने की बात स्वीकार की है। ऐश्वर्या जल्द मिलकर नो एंट्री के सीक्वल पर लेने वाले हैं फैसला। नो एंट्री सीक्वल की शूटिंग को लेकर पूछे गए सवाल पर बोनी ने कहा कि इसका सबसे अच्छा जवाब तो सलमान ही दे पाएंगे। उन्होंने कहा, मैंने उनके साथ इस बारे में पहले भी बातचीत की है, हम दोबारा मिलेंगे और फैसला करेंगे। मैं फिल्म माम में व्यस्त था, हम अगले कुछ सप्ताह में मिलेंगे और इस बारे में बातचीत करेंगे। आपको जानकर हैरानी होगी कि डायरेक्टर अनीस बज्मी ने करीब 1.5 साल पहले सलमान को नो एंट्री के सीक्वल की कहानी सुनाई थी। सूत्रों के मुताबिक जब सलमान को कहानी सुनाई गई तो उन्हें यह पसंद आई। सलमान के अलावा अनिल कपूर और फरीद खान भी सीक्वल में दिखाई देंगे। संजय लीला भंसाली की इंशा अल्लाह के बाद सलमान खान ने अब डायरेक्टर अनीस बज्मी की 14 साल पहले आई नो एंट्री के सीक्वल से अपने हाथ खींच लिए हैं। इस फिल्म को बोनी कपूर प्रोड्यूस कर रहे हैं। फिल्म से सलमान के अलग होने की पुष्टि बोनी के छोटे भाई अभिनेता अनिल कपूर ने दैनिक भास्कर से बातचीत की। अनिल कपूर ने साफ लफ्जों में कहा, हम लोग फिलहाल मेन लीड यानी प्रेम के लिए कलाकार ढूंढ रहे हैं। वह जिस दिन फाइनल हो जाएगा उसके बाद फिल्म शुरू हो जाएगी। सलमान यह फिल्म नहीं कर रहे हैं, यह क्लियर है। बाकी किरदारों के लिए भी कास्टिंग प्रेम तय होने के बाद होगी।
बोनी के जिम में प्रेम की तलाश। अनिल कपूर के साथ साथ इस बारे में अनीस बज्मी ने भी मौजूदा डेवलपमेंट पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा, प्रेम को ढूंढने का काम बोनी कपूर साहब के जिम्मे है। मैं राइटर आदमी हूँ, हास्यकल की कहानी मैंने लिखी है, इसका नाम नो एंट्री में एंट्री है। प्रेम के तौर पर सलमान भाई का रिप्लेंस इंडिया क्या पूरी दुनिया में नहीं है, लिहाजा मैंने इसे तलाश करने की जिम्मेदारी बोनी जी पर छोड़ी है। वे जैसा कहेंगे मैं करूंगा। बाकी सलमान भाई से मेरे बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, वे भी एक राइटर के बेटे हैं, लिहाजा हम जैसे राइटरों को भी पूरा सम्मान देते हैं। फिल्म के प्लांट पर अनीस बज्मी कहते हैं, रहा सवाल सेकंड पार्ट के प्लॉट का, तो यह पिछले पार्ट से यकीनन बड़ा होगा। पहले वाले में 3 लड़कियां और 3 लड़के थे, इस बार 10 हीरोइनों और 6 हीरो होंगे। हम इस बार BFX भी ऐड करेंगे, यह मेरी पुरानी एमिटमेंट है। बोनी जी जब कहेंगे हम शूट कर लेंगे। मूल रूप से यह सिर्फ एक्स्ट्रा मटेरियल अफेयर पर नहीं है, यह पति पत्नी के खट्टे मीठे रिश्तों की पड़ताल है। पति कुत्ते की दुम है, उसे सुधारना नहीं है। पत्नियों ने ठान रखा कि उन्हें पद को सुधार कर रखना है। इस प्लॉट पर मैं आगे 4-5 से ज़्यादा कहानियाँ लिख सकता हूँ। लाइब्रेरी में रखने वाली फिल्म नो एंट्री। बज्मी फिल्म के पिछले पार्ट को लेकर कहते हैं, नो एंट्री टीवी पर भी पिछले 14 सालों से कईयों ने 50 बार देखी है। वह कल्ट फिल्म है, लाइब्रेरी में रखने वाली फिल्म है। जब कभी मूड खराब हो निकालिए और देख लीजिए। सलमान खान इन दिनों काफ़ी बिजी हैं। पिछले समय से उनकी फिल्म नो एंट्री के सीक्वल को लेकर चर्चा चल रही है। कुछ समय पहले सलमान ने फिल्म के सीक्वल के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा था कि नो एंट्री का सीक्वल नहीं बन रहा। नहीं, वही डायरेक्टर अब अनीस बज्मी ने कन्फर्म किया कि वह जल्द ही नो एंट्री के सीक्वल पर काम शुरू करेंगे। अनीस ने बताया कि सलमान को नो एंट्री में एंट्री की कहानी काफ़ी पसंद आई है, बस अभी उनके पास कोई डेट नहीं है। मैं उनकी हाँ का इंतज़ार कर रहा हूँ। इस फिल्म में सलमान डबल रोल में दिखाई देंगे। अनीस ने कहा, मैं फिल्म की कहानी को फाइनल टच देने का काम कर रहा हूँ। फिलहाल मैं मुबारका की शूटिंग में बिजी था। इसके अलावा अनीस ने अपने स्टेटमेंट में यह भी कहा कि इस फिल्म में न सिर्फ सलमान बल्कि अनिल कपूर और फरीदन खान का भी डबल रोल होगा। फिल्म के प्रोड्यूसर बोनी कपूर ने कहा, ऐसा होगा लेकिन अभी तक यह तय नहीं हुआ है कि इस फिल्म की शूटिंग कब होगी। रेस 3 के प्रमोशन में जुटे सलमान ने हमसे हुई खास बात में बताया कि रेस 3 की रिलीज के बाद वह अपनी अगली फिल्म भारत और अरबाज खान की फिल्म दबंग 3 की शूटिंग एक साथ शुरू करेंगे। सलमान बताते हैं कि फिलहाल नो एंट्री और वांटेड के अगले भाग को बनाने की कोई प्लानिंग नहीं है। नो एंट्री के निर्देशक अनीस बज्मी ने हमसे हुई बातचीत में कहा था कि उन्होंने नो एंट्री के अगले भाग की कहानी लिखकर फिल्म के निर्माता बोनी कपूर को सुना भी दी है। अनीस की माने तो सलमान को भी उनकी कहानी खूब पसंद आई थी। अनीस ने नो एंट्री की कहानी बताते हुए कहा था कि इस बार सभी हीरो के ट्रिपल रोल होंगे। सलमान ने जब नो एंट्री के अगले भाग की बात की गई तो सलमान ने साफ कहा, जी नहीं, नो एंट्री और वांटेड के अगले भाग की कोई तैयारी नहीं है। फिलहाल तो इस बारे में कोई बातचीत भी नहीं हो रही है। मैं इस समय रेस 3 के बाद, मतलब 2 महीने बाद फिल्म दबंग 3 और भारत की शूटिंग एक साथ शुरू करूंगा। इसके बाद मैं रेमो की एक डांस पर बेस्ट फिल्म शूट करूंगा। बाद में सोहेल खान की फिल्म शेर खान पर काम करेंगे। शेर खान की स्क्रिप्ट तैयार नहीं है, इसलिए उसकी डेट्स भी तय नहीं है। नो एंट्री लेकर अनीस बज्मी और सलमान की अलग अलग बातों से साफ जाहिर होता है कि सलमान और अनीस का रेडी के दौरान हुआ मनमुटाव आज भी जारी है। एक तरफ जहां अनीस फिल्म के बनाने को लेकर कॉन्फिडेंट है, वही दूसरी ओर सलमान इस बात को सिरे से नकार रहे हैं। मीडिया से हुई खास बातचीत में अनिल कपूर ने बताया कि उनकी अगली फिल्म नो एंट्री 2 के लिए उनकी तैयारी पूरी हो चुकी है। उन्होंने बताया कि फिल्म की कहानी भी तैयार हो चुकी है। अनिल कपूर ने बताया कि फिल्म नो एंट्री के अगले भाग में मेरा ट्रिपल रोल है। उन्होंने बताया कि डबल रोल में एक्टिंग करूँगा और एक रोल प्रोड्यूसर का भी होगा। हम बहुत
ही जल्द नो एंट्री 2 पर काम शुरू कर देंगे। जैसे ही हमारी फिल्म मुबारक हिट हो जाएगी, हम नो एंट्री 2 बनाने की घोषणा करेंगे। फिल्म निर्माता अनीस बजमी ने कहा कि नो एंट्री 2 की कहानी बहुत खूबसूरत है। मैं कह सकता हूँ यह वन ऑफ द बेस्ट फिल्म बन सकती है। इस फिल्म में सलमान खान, अनिल कपूर और फरीद खान के डबल रोल हैं। इसके अलावा फिल्म में 10 लड़कियाँ होंगी। फिल्म की कहानी बोनी जी और सलमान को बहुत अच्छी लगी है। सलमान तो इस कहानी को कई बार पढ़ चुके हैं और वह कई और करीबियों को भी सुना चुके हैं। गौरतलब है कि इन दिनों अनिल कपूर मुबारका के प्रमोशन में जुटे हैं। इस फिल्म में अनिल कपूर, अर्जुन कपूर, आथिया शेट्टी, इलियाना डिक्रूजा, रत्ना पाठक शाह, पवन मल्होत्रा, नेहा शर्मा और राहुल देव हैं, जो 28 जुलाई को रिलीज होगी। बॉलीवुड एक्टर सलमान खान की आगामी फिल्मों फरहिस्त में दबंग 3 और राधे राधे के साथ नो एंट्री चुकल का नाम भी तय माना जा रहा है। मुंबई बॉलीवुड एक्टर सलमान खान की आगामी फिल्मों की फरहिस्त में दबंग 3 और राधे के साथ नो एंट्री चुकल का नाम भी तय माना जा रहा था। फिलहाल अब यह पूरी तरह से तय हो गया है कि सलमान खान अपनी सुपरहिट कॉमेडी फिल्म नो एंट्री के चुकल से पीछे हट गए हैं। इंशाअल्लाह के बाद इस साल की ये दूसरी ऐसी फिल्म सामने आई है जिसे करने से सलमान खान ने साफ तौर पर कर दिया है। बीते कई दिनों से इसकी चर्चा रही कि सलमान खान के पास समय की कमी होने के कारण वह नो एंट्री का सीक्वल नहीं कर पाएंगे। अब इस पर खुद उनके करीबी दोस्त अनिल कपूर और लेखक व निर्देशक अनीस बजमी का बयान सामने आया है। दैनिक भास्कर से बातचीत में अवनीस और अनिल कपूर ने इस पर खुलासा किया है। अनिल कपूर ने सलमान खान को नो एंट्री के सीक्वल में ना रहने की पुष्टि कर दी है। उन्होंने कहा है कि फिल्म की टीम नो एंट्री के प्रेम के लिए कलाकार की तलाश हो रही है। जिस दिन ये फाइनल होगा उस दिन फिल्म का नाम का काम शुरू हो जाएगा। अनिल कपूर ने आगे कहा कि ये साफ है कि सलमान खान ये फिल्म नहीं कर रहे हैं। बाकी किरदारों के लिए भी कास्टिंग प्रेम के लिए कलाकार तय होने पर की जाएगी। लेखक अनीस बजमी ने सलमान खान को लेकर अपनी राय रखते हुए कहा कि निर्माता बोनू कपूर प्रेम के लिए कलाकार की तलाश कर रहे हैं। सीक्वल की कहानी मैंने लिखी है। फिल्म का नाम नो एंट्री में एंट्री है। फन्ने खान अनिल कपूर इन दिनों फन्ने खान फिल्म के प्रमोशन में जुटे हुए हैं। अच्छी फिल्म, जबरदस्त कहानी, बेहतरीन किरदार और एक से बढ़कर एक सह कलाकारों के साथ काम करना फिल्म मेकिंग का सबसे जबरदस्त पार्ट होता है। पिता और बेटी के बीच खूबसूरत रिश्ते और आने वाले उतार चढ़ाव के बीच बनी हुई फिल्म फन्ने खान लोगों को पसंद आएगी, इसकी पूरी उम्मीद अनिल कपूर को है। हालांकि 35 वर्षों से लगातार फिल्म इंडस्ट्री में काम करने वाले अनिल कपूर अपनी हर फिल्म में हमेशा कुछ न कुछ सीखने की बात करते हैं। अनिल कपूर ने जी न्यूज से हुई खास बातचीत में बताया, लगभग एक दशक पहले रिलीज हुई फिल्म नो एंट्री को लोगों ने बहुत ज़्यादा प्यार मिला था और उसके बाद से खबरें आ रही हैं कि नो एंट्री का दूसरा भाग भी बनने वाला है। हालांकि अनीस बजमी ने बोनी कपूर जी ने कई बार अपने इंटरव्यू में फिल्म की स्क्रिप्ट तैयार होने की बात की है, लेकिन जब इस बारे में हमने अनिल कपूर से पूछा तो उनका यह मानना है कि फिल्म की स्क्रिप्ट आप ही लोगों ने देखी है। फिल्म की स्क्रिप्ट मुझे भी देखनी है और क्यों नहीं, नो एंट्री करना चाहूँगा। हम बोलते हैं कि अनिल कपूर हंस पड़े। आपको बता दें कि फिल्म में नो एंट्री में कॉमेडी, रोमांस, ड्रामा और ज़बरदस्त संगीन था और यही वजह है कि अपने दौर की अच्छा बिजनेस करने वाली, लोगों को हंसाने गुदगुदाने वाली फिल्म नो एंट्री बनी थी। अनिल कपूर के साथ सलमान खान, फरीद खान भी नज़र आए थे। तभी से कयास लगाए जा रहे हैं कि फिल्म में नो एंट्री का एक और भाग बनने वाला है। हालांकि अनिल कपूर स्क्रिप्ट का अभी भी इंतजार कर रहे हैं। फिल्म में फन्ने खान के प्रमोशन में जुटी पूरी कास्ट को इस हफ्ते रिलीज हो रही अपनी फिल्म के अच्छे बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की उम्मीद है। एक्टर राजकुमार राव और न्यू कुमार पीहू को उम्मीद है कि लोगों को पसंद आएगी और लोग जरूर अपने साथ संदेश लेकर आएंगे। फिल्म में ऐश्वर्या एक अलग ही रूप में नजर आएंगी। फन्ने खान 3 अगस्त को रिलीज हो रही है। फिल्म में अनिल कपूर, राजकुमार राव, ऐश्वर्या राय और पीहू मुख्य किरदार में नजर आएंगे। डायरेक्टर अतुल मंजेरकर की यह पहली निर्देशित फिल्म है। हेलो दोस्तों, अगर आप नो एंट्री मूवी को यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो मैं आपको बता दूं कि ये आपको फुल मूवी यूट्यूब पर देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि ये मूवी जैसे ही यूट्यूब पर अपलोड की जाती है यूट्यूब वाले इसे हटा देते हैं। क्योंकि मैंने भी इसे अपलोड किया था और जैसे मैंने इसे अपलोड किया यूट्यूब वालों ने इसे हटा दिया। वह इसलिए हटा देते हैं क्योंकि जो
लोग यानी जो कंपनियां इस मूवी की मालिक हैं वो जो है इसे यूट्यूब पर अपलोड करने की परमिशन नहीं दे रही हैं। इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न ये है क्योंकि वे लोग इस मूवी को अभी भी पैसे लेकर दिखा रहे हैं। तो अगर आप इस मूवी को फुल देखना चाहते हैं तो भाई आपको पैसे तो खर्च करना ही पड़ेगा। आप इसके यूट्यूब पर छोटे मोटे पार्ट भले ही देख सकते हैं, लेकिन अगर आपको फुल मूवी देखनी है तो आपको उनकी साइट पर जाना होगा और पैसे देना होगा, तब आप इसे देख सकते हैं। आप YouTube पर जैसे सर्च करोगे आपके सामने ऑप्शन आएगा बाय और रेंट। अगर आप इसे रेंट पर लोगे तो आप सस्ते में देख सकते हो, शायद 50 या 75 रुपये में, लेकिन अगर आप इसको ख़रीदना चाहते हैं तो आपका 250 से 300 या 350 रुपया आपको खर्चा करना पड़ेगा, तभी आप इसे देख सकते हैं। तो आई होप यू आपको जानकारी मिल गई होगी। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा इस मूवी से रिलेटेड फैक्ट और स्टोरी, इसकी ये कैसे बनाई गई थी, क्या हुआ था, जो कि काफ़ी मज़ेदार है, आपको काफ़ी मज़ा आएगा ये सब सुनने के बाद। तो अगर आप इसमें इंटरेस्ट रखते हैं तो वीडियो में बने रहिए, नहीं तो आप वीडियो छोड़ सकते हैं। दोस्तों ऐसे ही अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। नो एंट्री 2004 में बनी हिंदी भाषा का एक हास्य चलचित्र है। इसके निर्देशन अनीस पमजी और निर्माता बोनी कपूर हैं। इसमें मुख्य भूमिका में है सलमान खान, अनिल कपूर, फरदीप खान, लारा दत्त, सेलिना जेठली, ईशा देवल और बिपाशा बसु। समीरा रेड्डी विशेष भूमिका में हैं। यह चलचित्र को एक तमिल चलचित्र चार्ली चैम्पियन पर आधारित है। दोस्तों इसमें अभिनेता हैं अनिल कपूर, सलमान खान, फरजीत खान, लारा दत्त, बिपाशा बसु, ईशा देवल, बोमन ईरानी, सेलिन जेटली, समीर रेड्डी। संगीतकार हैं जो इसमें म्यूजिक दिया हुआ है अनु मलिक का, और इसकी जो रिलीज डेट थी वो थी 26 अगस्त 2004 को ये रिलीज हुई थी। देश था भारत और भाषा थी हिंदी। दोस्तों इसकी स्टोरी के बारे में बात कर लेते हैं। किशन यानी अनिल कपूर एक अमीर समाचार संपादक होता है जो अपनी पत्नी काजल यानी लारा दत्त से बहुत प्यार करते रहता है और उसे धोखा देने के बारे में सोच भी नहीं सकता। हालांकि उसकी पत्नी को हमेशा यह डर लगा रहता है कि उसके पद का किसी और औरत के साथ चक्कर तो नहीं चल रहा है। इस कारण वो अपने पद पर ज़रूरत से ज़्यादा शक करते रहती है। प्रेम यानी सलमान खान किशन का दोस्त है और उसका हाल किशन से बिल्कुल अलग है। उसकी पत्नी पूजा यानी ईशा देवल उस पर आँख मूंद कर विश्वास करते रहती है और उसकी कहीं हर बात को सच मानते रहती है, लेकिन वो उसे ही झूठ के अलावा कभी कुछ नहीं कहता और कई लड़कियों के साथ चक्कर चलाते रहता है। शेखर यानी फरदीप खान किशन के समाचार कंपनी में काम करता है और किशन के एहसानों के बीच पूरी तरह दबा हुआ है। इस कारण वो किशन को अपने बड़े भाई मानता है और उसके लिए कुछ भी करने को तैयार रहता है। किशन भी उसे अपने छोटे भाई के रूप में मानता है। उसके साथ कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं कि उसे और संजना यानी सेलिना जेटली को एक दूसरे से प्यार हो जाता है। इन सभी के जीवन में नया मोड़ तब आता है जब शेखर अपने कैमरे में प्रेम की उसकी कुछ प्रेमिकाओं के साथ फोटो ले लेता है और किशन उस फोटो को उसकी पत्नी को दिखाने की धमकी देता है। किसी तरह प्रेम उस कैमरे को उनसे दूर करने में सफल हो जाता है, पर वो इन सब में बचने के लिए बाबी यानी बिपाशा बसु को पैसे देकर किशन को पटाने का काम देता है। प्रेम किसी तरह किशन को बाबी से मिलने के लिए तैयार कर लेता है। किशन को पता चलता है कि उसकी बीबी अजमेर जाने वाली है, तो वो घर पर ही बाबे से मिलने का प्लान बना लेता है। काजल के घर से निकलने के बाद योजना के अनुसार बाबी उसके घर आ जाती है। वे दोनों आउट हाउस जहां शेखर रहता है में चले जाते हैं। उसकी बीबी अपना पासपोर्ट घर पर ही भूल जाती है और जब वो उसे लेने वापस जाती है तो अपने पति के साथ बाबी को देख कर शक करने लगती है। इस शक से बचने के लिए किशन बोल देता है कि बाबी असल में शेखर की पत्नी है। किशन के एहसानों से दबा हुआ शेखर उसके झूठ में साथ देने को मजबूर हो जाता है। वही शेखर अपनी और संजना की शादी की बात करने के लिए अपने बड़े भाई के रूप में किशन को ले चलता है। इस दौरान बाबी के आ जाने के कारण संजना और उसके परिवार वालों के सामने किशन उसे अपनी पत्नी बता देता है। शेखर और संजना की शादी तय हो जाती है। शादी के दिन
काजल भी आती है और किशन को पता चलता है कि काजल और संजना दोस्त हैं। किसी तरह बीमारी का नाटक कर किशन उस जगह से बच जाता है और शेखर के साथ संजना की शादी भी हो जाती है। शादी के बाद शेखर और संजना जिस होटल में हनीमून मनाते रुकते हैं उसी होटल में किशन और काजल भी रुकने आ जाते हैं। परेशानी और भी बढ़ जाती है जब बाबी भी उसी होटल में रुकने आ जाती है। जब वे सब लोग एक साथ मिलते हैं तो किशन और शेखर का सारा झूठ सामने आ जाता है। संजना और काजल अपने पति से तलाक लेने का फैसला करते हैं। उसकी शादी को बचाने के लिए प्रेम आता है और कह देता है कि बाबी उसकी दूसरी पत्नी है। यह बात उसकी पत्नी पूजा भी सुन लेती है और इस तरह तीनों का एक जैसा हाल हो जाता है। प्रेम पहाड़ से कूद कर अपनी जान देने का नाटक करते रहता है, पर उसे रोकने की कोशिश करते हुए शेखर और उन दोनों को बचाने की कोशिश में किशन भी पहाड़ से लटक जाते हैं और गिरने की कगार पर आ जाते हैं। पूजा, काजल और संजना उन्हें गिरने से बचाने के लिए रस्सी देती है, लेकिन प्रेम पहले माफ़ करने को कहता है। उन सभी को माफ़ करने के बाद वे लोग रस्सी से ऊपर आ जाते हैं और कभी ऐसी गलती दोबारा न करने का फैसला करते हैं। अंत में दिखाया जाता है कि वे तीनों सुधरने का नाटक कर रहे हैं। अब चलिए बात करते हैं चरित्र के बारे में। सलमान खान इसमें प्रेम बने हुए हैं, अनिल कपूर किशन का रोल निभा रहे हैं, फरीदन खान शेखर का रोल निभा रहे हैं, ईशा देवल पूजा यानी प्रेम की पत्नी का रोल निभा रही हैं, लारा दत्त काजल यानी किशन की पत्नी का रोल निभा रही हैं और सलिनी जेटली संजना यानी शेखर की पत्नी का रोल निभा रही हैं, बिपाशा बसु बाबी का रोल निभा रही हैं, भुवन ईरानी मंत्री का रोल निभा रही हैं और समीरा रेड्डी बीच गर्ल यानी विशिष्ट उपस्थित का रोल निभा रही हैं। चलिए बात करते हैं संगीत के बारे में। इस चलचित्र के संगीतकार थे अनु मलिक। नो एंट्री, इश्क की गली बीच सोनू निगम, अलीसा चिनाय ने इसे गाया था। जस्ट लव मी, मैं अकेला, सोनू निगम ने इसे गाया था और इश्क में सुनिधि चौहान केके ने गाया था। वाय वाय, दिल चुरा के अलीसा चिनाय ने गाया था। हार्ट हार्ट, कलयुग की लीला वंशुर दास, अलीसा चिनाय और सुनिधि चौहान ने गाया था। कहाँ हो तुम, कुमार सानू और उदित नारायण ने गाया था। दिल पागल है, अलका यगानिक, कुमार सानू, के मेरे जैसा कोई नहीं, अलीसा चिनाय, सुनिधि चौहान ने गाया था। तो चलिए अब बॉक्स ऑफिस के बारे में बात कर लेते हैं। यह चलचित्र बहुत पसंद किया गया और ये 2005 का सबसे सफल चलचित्र था। भारत में इसकी कुल कमाई 44 मिलियन रुपए थी। साल 2005 में रिलीज हुई सुपरहिट फिल्मों में से एक थी। अनिल कपूर, सलमान खान, बिपाशा बसु और फरीदन खान स्टारर नो एंट्री। सोमवार को इस फिल्म को रिलीज हुए 14 साल हो गए हैं। शाहरुख खान ने इस फिल्म के इस सीन का एक GIF अपने ट्विटर हैंडल पर शेयर किया है। सीन में अनिल कपूर फरीदन खान को पॉजिटिव रहने की बात समझाते नजर आ रहे हैं। वीडियो के साथ कैप्शन में अनिल कपूर ने लिखा, पॉजिटिव होना मेरे खून में है। नो एंट्री को 14 साल हो गए हैं। अनीज बजमी के निर्देशन में बनी इस फिल्म में लारा दत्त, ईशा देवल और सेलिना जेटली ने भी अहम किरदार निभाए थे। फिल्म के प्रोड्यूसर बोनी कपूर ने भी अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर फिल्म 14 साल होने पर पोस्ट की है। बोनी कपूर ने लिखा, साल 2005 की सबसे बड़ी हिट नो एंट्री आज अपनी 14वीं एनिवर्सरी मना रही है। जल्दी हम ज़्यादा चुलबुली, ज़्यादा नटखट और ज़्यादा मनोरंजन वाली नो एंट्री 2 देखेंगे। शुक्रिया अनीस बजमी और प्रोजेक्ट से जुड़े सभी लोग। बता दें कि साल 2005 में रिलीज हुई फिल्म नो एंट्री के सीक्वल को लेकर पिछले काफ़ी वक्त से बातचीत चल रही है। पहली फिल्म का निर्देशन कर चुके अनीस बजमी ही दूसरी फिल्म का निर्देशन करेंगे। कुछ रिपोर्ट में कहा गया है कि फिल्म के दूसरे पार्ट में अर्जुन कपूर नजर आएंगे। वहीं कुछ रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया है कि फिल्म में सलमान खान अहम किरदार निभाते नजर आएंगे। सोशल मीडिया पर तमाम तरह की बातें हैं, हालांकि कास्ट को लेकर आधिकारिक घोषणा अभी नहीं की गई है। जहां तक सलमान के फिल्म में होने की बात है तो सलमान फिलहाल दबंग 3, शेर खान और इंसा अल्लाह जैसे प्रोजेक्ट में बिजी हैं। साल 2005 की सुपरहिट फिल्म नो एंट्री की सीक्वल बनने को तैयार है, लेकिन हो सकता है इस फिल्म में सलमान खान नजर नहीं आए।
फिल्म के निर्देशक अनीस बजमी ने कहा है कि हम चाहते हैं कि फिल्म में सलमान काम करें। उनके काम करने से फिल्म को हमेशा ही फायदा पहुंचता है। बजमी ने एक साक्षात्कार के दौरान कहा कि सलमान एक शानदार अभिनेता हैं, वो एक स्टार हैं, अलग वो इस फिल्म का हिस्सा बनते हैं तो वास्तव में बहुत अच्छा होगा, लेकिन अगर वो इसे नहीं करना चाहते तो फिल्म की कहानी के मुताबिक हम किसी दूसरे अभिनेता के बारे में विचार करेंगे। बता दें कि पिछली फिल्म नो एंट्री में सलमान के साथ अनिल कपूर, बिपाशा बसु, फरीदी खान और लारा दत्त, सैलिन जेटली, ईशा देवल और बोमन ईरानी मुख्य भूमिका में थे। गौरतलब की पिछली फिल्म में नो एंट्री में सलमान खान की छोटी सी भूमिका थी, लेकिन सलमान ने इस जिस तरह से अपने किरदार को निभाया था वह दर्शकों को काफ़ी पसंद आया था, लेकिन अपनी व्यस्तता के कारण हो सकता है कि वह इसके बन रही सिक्वल नो एंट्री में नज़र नहीं आए। इस सुपरहिट फिल्म की कहानी के साथ फिल्म के निर्देशक पूरी तरह से तैयार हैं। उन्होंने पिछले साल एक मौके पर यह बताया था कि वो फिल्म की स्क्रिप्ट के साथ तैयार हैं और सलमान खान से डेट मिलने का इंतजार कर रहे हैं। फिलहाल फिल्म से जुड़ी अभी औपचारिक घोषणा नहीं की गई है। फिल्म के निर्देशक बोनी कपूर हैं। चर्चा है कि फिल्म से सलमान खान को रोल प्रेम अर्जुन को भी हटाया जा रहा है। खबरें ये भी हैं कि ये रोल अक्षय कुमार को भी ऑफर किया जा सकता है। फिलहाल फिल्म को लेकर चर्चा गर्म है। देखना दिलचस्प होगा कि फिल्म को लेकर क्या नया मोड़ आता है। श्रीदेवी के प्रोड्यूसर पद बोनी कपूर जल्द ही सलमान खान से मुलाकात करने वाले हैं और इस मुलाकात का मकसद है नो एंट्री के सीक्वल के लिए डेट्स फाइनल करना। दरअसल इस फिल्म के सीक्वल को लेकर पिछले काफ़ी समय से चर्चा हो रही है, मगर कब शूटिंग शुरू होगी इसके बारे में पूछे जाने पर बोनी कपूर ने जल्द ही सलमान से मुलाकात करने की बात स्वीकार की है। ऐश्वर्या जल्द मिलकर नो एंट्री के सीक्वल पर लेने वाले हैं फैसला। नो एंट्री सीक्वल की शूटिंग को लेकर पूछे गए सवाल पर बोनी ने कहा कि इसका सबसे अच्छा जवाब तो सलमान ही दे पाएंगे। उन्होंने कहा, मैंने उनके साथ इस बारे में पहले भी बातचीत की है, हम दोबारा मिलेंगे और फैसला करेंगे। मैं फिल्म माम में व्यस्त था, हम अगले कुछ सप्ताह में मिलेंगे और इस बारे में बातचीत करेंगे। आपको जानकर हैरानी होगी कि डायरेक्टर अनीस बजमी ने करीब 1.5 साल पहले सलमान को नो एंट्री के सीक्वल की कहानी सुनाई थी। सूत्रों के मुताबिक जब सलमान को कहानी सुनाई गई तो उन्हें यह पसंद आई। सलमान के अलावा अनिल कपूर और फरीद खान भी सीक्वल में दिखाई देंगे। संजय लीला भंसाली की इंशा अल्लाह के बाद सलमान खान ने अब डायरेक्टर अनीस बजमी की 14 साल पहले आई नो एंट्री के सीक्वल से अपने हाथ खींच लिए हैं। इस फिल्म को बोनी कपूर प्रोड्यूस कर रहे हैं। फिल्म से सलमान के अलग होने की पुष्टि बोनी के छोटे भाई अभिनेता अनिल कपूर ने दैनिक भास्कर से बातचीत की। अनिल कपूर ने साफ लफ्जों में कहा, हम लोग फिलहाल मेन लीड यानी प्रेम के लिए कलाकार ढूंढ रहे हैं, वह जिस दिन फाइनल हो जाएगा उसके बाद फिल्म शुरू हो जाएगी। सलमान यह फिल्म नहीं कर रहे हैं, यह क्लियर है, बाकी किरदारों के लिए भी कास्टिंग प्रेम तय होने के बाद होगी। बोनी के जिब में प्रेम की तलाश। अनिल कपूर के साथ साथ इस बारे में अनीस बजमी ने भी मौजूदा डेवलपमेंट पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा, प्रेम को ढूंढने का काम बोनी कपूर साहब के जिम्मे है, मैं राइटर आदमी हूँ, हाँ सीक्वल की कहानी मैंने लिखी है, इसका नाम नो एंट्री में एंट्री है। प्रेम के तौर पर सलमान भाई का रिप्लेंस इंडिया क्या पूरी दुनिया में नहीं है, लिहाजा मैंने इसे तलाश करने की जिम्मेदारी बोनी जी पर छोड़ी है, वे जैसा कहेंगे मैं करूँगा। बाकी सलमान भाई से मेरे बड़े अच्छे तल्लुकात हैं, वे भी एक राइटर के बेटे हैं, लिहाजा हम जैसे राइटरों को भी पूरा सम्मान देते हैं। फिल्म के प्लांट पर अनीस बजमी कहते हैं, रहा सवाल सेकंड पार्ट के प्लॉट का तो यह पिछले पार्ट से यकीनन बड़ा होगा। पहले वाले में 3 लड़कियां और 3 लड़के थे, इस बार 10 हीरोइनों और 6 हीरो होंगे। हम इस बार BFX भी ऐड करेंगे, यह मेरी पुरानी एमिटमेंट है। बोनी जी जब कहेंगे हम शूट कर लेंगे। मूल रूप से यह सिर्फ एक्स्ट्रा मटेरियल अफेयर पर नहीं है, यह पति पत्नी के खट्टे मीठे रिश्तों की पड़ताल है। पति कुत्ते की दुम है, उसे सुधारना नहीं है। पत्नियों ने ठान रखा कि उन्हें पति को सुधार कर रखना है। इस प्लॉट पर मैं आगे 4-5 से ज़्यादा कहानियाँ लिख सकता हूँ। लाइब्रेरी में रखने वाली फिल्म नो एंट्री। बजमी फिल्म के पिछले पार्ट को लेकर कहते हैं, नो एंट्री टीवी पर भी पिछले 14 सालों से कईयों ने 50 बार देखी है, वह कल्ट फिल्म है। लाइब्रेरी में
रखने वाली फिल्म है। जब कभी मूड खराब हो निकालिए और देख लीजिए। सलमान खान इन दिनों काफ़ी बिजी हैं। पिछले समय से उनकी फिल्म नो एंट्री के सीक्वल को लेकर चर्चा चल रही है। कुछ समय पहले सलमान ने फिल्म के सीक्वल के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा था कि नो एंट्री का सीक्वल नहीं बन रहा। नहीं, वही डायरेक्टर अब अनीस बजमी ने कन्फर्म किया कि वह जल्द ही नो एंट्री के सीक्वल पर काम शुरू करेंगे। अनीस ने बताया कि सलमान को नो एंट्री में एंट्री की कहानी काफ़ी पसंद आई है, बस अभी उनके पास कोई डेट नहीं है। मैं उनकी हाँ का इंतज़ार कर रहा हूँ। इस फिल्म में सलमान डबल रोल में दिखाई देंगे। अनीस ने कहा, मैं फिल्म की कहानी को फाइनल टच देने का काम कर रहा हूँ। फिलहाल मैं मुबारका की शूटिंग में बिजी था। इसके अलावा अनीस ने अपने स्टेटमेंट में यह भी कहा कि इस फिल्म में न सिर्फ सलमान बल्कि अनिल कपूर और फरीदन खान का भी डबल रोल होगा। फिल्म के प्रोड्यूसर बोनी कपूर ने कहा ऐसा होगा, लेकिन अभी तक यह तय नहीं हुआ है कि इस फिल्म की शूटिंग कब होगी। रेस 3 के प्रमोशन में जुटे सलमान ने हमसे हुई खास बात में बताया कि रेस 3 की रिलीज के बाद वह अपनी अगली फिल्म भारत और अरबाज खान की फिल्म दबंग 3 की शूटिंग एक साथ शुरू करेंगे। सलमान बताते हैं कि फिलहाल नो एंट्री और वांटेड के अगले भाग को बनाने की कोई प्लानिंग नहीं है। नो एंट्री के निर्देशक अनीस बजमी ने हमसे हुई बातचीत में कहा था कि उन्होंने नो एंट्री के अगले भाग की कहानी लिखकर फिल्म के निर्माता बोनी कपूर को सुना भी दी है। अनीस की माने तो सलमान को भी उनकी कहानी खूब पसंद आई थी। अनीस ने नो एंट्री की कहानी बताते हुए कहा था कि इस बार सभी हीरो के ट्रिपल रोल होंगे। सलमान ने जब नो एंट्री के अगले भाग की बात की गई तो सलमान ने साफ कहा, जी नहीं, नो एंट्री और वांटेड के अगले भाग की कोई तैयारी नहीं है। फिलहाल तो इस बारे में कोई बातचीत भी नहीं हो रही है। मैं इस समय रेस 3 के बाद, मतलब 2 महीने बाद, फिल्म दबंग 3 और भारत की शूटिंग एक साथ शुरू करूंगा। इसके बाद मैं रेमो की एक डांस पर बेस्ट फिल्म शूट करूंगा। बाद में सोहेल खान की फिल्म सर खान पर काम करेंगे। सर खान की स्क्रिप्ट तैयार नहीं है, इसलिए उसकी डेट्स भी तय नहीं है। नो एंट्री लेकर अनीस बजमी और सलमान की अलग अलग बातों से साफ जाहिर होता है कि सलमान और अनीस का रेडी के दौरान हुआ मनमुटाव आज भी जारी है। एक तरफ जहाँ अनीस फिल्म के बनाने को लेकर कॉन्फिडेंट है, वही दूसरी ओर सलमान इस बात को सिरे से नकार रहे हैं। मीडिया से हुई खास बातचीत में अनिल कपूर ने बताया कि उनकी अगली फिल्म नो एंट्री 2 के लिए उनकी तैयारी पूरी हो चुकी है। उन्होंने बताया कि फिल्म की कहानी भी तैयार हो चुकी है। अनिल कपूर ने बताया कि फिल्म नो एंट्री के अगले भाग में मेरा ट्रिपल रोल है। उन्होंने बताया कि डबल रोल में एक्टिंग करूँगा और एक रोल प्रोड्यूसर का भी होगा। हम बहुत ही जल्द नो एंट्री 2 पर काम शुरू कर देंगे। जैसे ही हमारी फिल्म मुबारका हिट हो जाएगी, हम नो एंट्री 2 बनाने की घोषणा करेंगे। फिल्म निर्माता अनीस बजमी ने कहा कि नो एंट्री 2 की कहानी बहुत खूबसूरत है। मैं कह सकता हूँ यह वन ऑफ द बेस्ट फिल्म बन सकती है। इस फिल्म में सलमान खान, अनिल कपूर और फरीद खान के डबल रोल हैं। इसके अलावा फिल्म में 10 लड़कियाँ होंगी। फिल्म की कहानी बोनी जी और सलमान को बहुत अच्छी लगी है। सलमान तो इस कहानी को कई बार पढ़ चुके हैं और वह कई और करीबियों को भी सुना चुके हैं। गौरतलब है कि इन दिनों अनिल कपूर मुबारका के प्रमोशन में जुटे हैं। इस फिल्म में अनिल कपूर, अर्जुन कपूर, आथिया शेट्टी, इलियाना डिक्रूजा, रत्ना पाठक शाह, पवन मल्होत्रा, नेहा शर्मा और राहुल देव हैं, जो 28 जुलाई को रिलीज होगी। बॉलीवुड एक्टर सलमान खान की आगामी फिल्मों फरहिस्त में दबंग 3 और राधे राधे के साथ नो एंट्री सीक्वल का नाम भी तय माना जा रहा है। मुंबई बॉलीवुड एक्टर सलमान खान की आगामी फिल्मों की फरहिस्त में दबंग 3 और राधे के साथ नो एंट्री सीक्वल का नाम भी तय माना जा रहा था। फिलहाल अब यह पूरी तरह से तय हो गया है कि सलमान खान अपनी सुपरहिट कॉमेडी फिल्म नो एंट्री के सीक्वल से पीछे हट गए हैं। इंशाअल्लाह के बाद इस साल की ये दूसरी ऐसी फिल्म सामने आई है जिसे करने से सलमान खान ने साफ तौर पर इनकार कर दिया है। बीते कई दिनों से इसकी चर्चा रही कि सलमान खान के पास समय की कमी होने के कारण वह नो एंट्री का सीक्वल नहीं कर पाएंगे। अब इस पर खुद उनके करीबी दोस्त अनिल कपूर और लेखक व निर्देशक अनीस बजमी का बयान सामने आया है। दैनिक भास्कर से बातचीत में अवनीश और अनिल कपूर ने इस पर खुलासा किया है। अनिल कपूर ने सलमान खान को नो एंट्री के सीक्वल में ना रहने की पुष्टि कर दी है। उन्होंने कहा है कि फिल्म की टीम नो एंट्री के प्रेम के लिए कलाकार की तलाश हो रही है। जिस दिन ये फाइनल होगा उस दिन फिल्म का नाम
का काम शुरू हो जाएगा। अनिल कपूर ने आगे कहा कि यह साफ है कि सलमान खान ये फिल्म नहीं कर रहे हैं, बाकी किरदारों के लिए भी कास्टिंग प्रेम के लिए कलाकार तय होने पर की जाएगी। लेखक अनीस बजबी ने सलमान खान को लेकर अपनी राय रखते हुए कहा कि निर्माता बोनू कपूर प्रेम के लिए कलाकार की तलाश कर रहे हैं। सिक्वल की कहानी मैंने लिखी है, फिल्म का नाम नो एंट्री में एंट्री है। फन्ने खान अनिल कपूर इन दिनों फन्ने खान फिल्म के प्रमोशन में जुटे हुए हैं। अच्छी फिल्म, जबरदस्त कहानी, बेहतरीन किरदार और एक से बढ़कर एक सह कलाकारों के साथ काम करना फिल्म मेकिंग का सबसे जबरदस्त पार्ट होता है। पिता और बेटी के बीच खूबसूरत रिश्ते और आने वाले उतार चढ़ाव के बीच बनी हुई फिल्म फन्ने खान लोगों को पसंद आएगी, इसकी पूरी उम्मीद अनिल कपूर को है। हालांकि 35 वर्षों से लगातार फिल्म इंडस्ट्री में काम करने वाले अनिल कपूर अपनी हर फिल्म में हमेशा कुछ न कुछ सीखने की बात करते हैं। अनिल कपूर ने जी न्यूज से हुई खास बातचीत में बताया, लगभग एक दशक पहले रिलीज हुई फिल्म नो एंट्री को लोगों ने बहुत ज्यादा प्यार मिला था और उसके बाद से खबरें आ रही हैं कि नो एंट्री का दूसरा भाग भी बनने वाला है। हालांकि अनीस बजबी ने बोनी कपूर जी ने कई बार अपने इंटरव्यू में फिल्म की स्क्रिप्ट तैयार होने की बात की है, लेकिन जब इस बारे में हमने अनिल कपूर से पूछा तो उनका यह मानना है कि फिल्म की स्क्रिप्ट आप ही लोगों ने देखी है। फिल्म की स्क्रिप्ट मुझे भी देखनी है और क्यों नहीं, नो एंट्री करना चाहूँगा, हम बोलते हैं कि अनिल कपूर हंस पड़े। आपको बता दें कि फिल्म में नो एंट्री में कॉमेडी, रोमांस, ड्रामा और जबरदस्त संगीन था और यही वजह है कि अपने दौर की अच्छा बिजनेस करने वाली, लोगों को हंसाने गुदगुदाने वाली फिल्म नो एंट्री बनी थी। अनिल कपूर के साथ सलमान खान, फरीद खान भी नजर आए थे, तभी से कयास लगाए जा रहे हैं कि फिल्म में नो एंट्री का एक और भाग बनने वाला है। हालांकि अनिल कपूर स्क्रिप्ट का अभी भी इंतजार कर रहे हैं। फिल्म में फन्ने खान के प्रमोशन में जुटी पूरी कास्ट को इस हफ्ते रिलीज हो रही अपनी फिल्म के अच्छे बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की उम्मीद है। एक्टर राजकुमार राव और न्यू कुमार पीहू को उम्मीद है कि लोगों को पसंद आएगी और लोग जरूर अपने साथ संदेश लेकर आएंगे। फिल्म में ऐश्वर्या एक अलग ही रूप में नजर आएंगी। फन्ने खान 3 अगस्त को रिलीज हो रही है। फिल्म में अनिल कपूर, राजकुमार राव, ऐश्वर्या राय और पीहू मुख्य किरदार में नजर आएंगे। डायरेक्टर अतुल मंजेरकर की यह पहली निर्देशित फिल्म है। हेलो दोस्तों, अगर आप नो एंट्री मूवी को यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो मैं आपको बता दूं कि ये आपको फुल मूवी यूट्यूब पर देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि ये मूवी जैसे ही यूट्यूब पर अपलोड की जाती है यूट्यूब वाले इसे हटा देते हैं, क्योंकि मैंने भी इसे अपलोड किया था और जैसे ही मैंने इसे अपलोड किया यूट्यूब वालों ने इसे हटा दिया। वह इसलिए हटा देते हैं क्योंकि जो लोग यानी जो कंपनियां इस मूवी की मालिक हैं वो जो है इसे यूट्यूब पर अपलोड करने की परमिशन नहीं दे रही हैं। इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न ये है क्योंकि वे लोग इस मूवी को अभी भी पैसे लेकर दिखा रहे हैं। तो अगर आप इस मूवी को फुल देखना चाहते हैं तो भाई आपको पैसे तो खर्च करना ही पड़ेगा। आप इसके यूट्यूब पर छोटे मोटे पार्ट भले ही देख सकते हैं, लेकिन अगर आपको फुल मूवी देखनी है तो आपको उनकी साइट पर जाना होगा और पैसे देना होगा, तब आप इसे देख सकते हैं। आप यूट्यूब पर जैसे सर्च करोगे आपके सामने ऑप्शन आएगा बाय और रेंट। अगर आप इसे रेंट पर लोगे तो आप सस्ते में देख सकते हो, शायद 50 या 75 रुपये में, लेकिन अगर आप इसे इसको ख़रीदना चाहते हैं तो आपका 250 या 350 रुपया आपको खर्चा करना पड़ेगा, तभी आप इसे देख सकते हैं। तो आई होप यू आपको जानकारी मिल गई होगी। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा इस मूवी से रिलेटेड फैक्ट और स्टोरी, इसकी ये कैसे बनाई गई थी, क्या हुआ था, जो कि काफ़ी मज़ेदार है, आपको काफ़ी मज़ा आएगा ये सब सुनने के बाद। तो अगर आप इसमें इंटरेस्ट रखते हैं तो वीडियो में बने रहिए, नहीं तो आप वीडियो छोड़ सकते हैं। दोस्तों, ऐसे ही अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। नो एंट्री 2004 में बनी हिंदी भाषा का एक हास्य चलचित्र है। इसके निर्देशन अनीस पमजी और निर्माता बोनी कपूर हैं। इसमें मुख्य भूमिका में हैं सलमान खान, अनिल कपूर, फरदीप खान, लारा दत्त, सेलिना जेठली, ईशा देवल और बिपाशा बसु। समीरा रेड्डी विशेष भूमिका में हैं। यह चलचित्र को एक तमिल चलचित्र चार्ली चैम्पियन पर आधारित है। दोस्तों, इसमें अभिनेता हैं अनिल कपूर, सलमान खान, फरजीत खान, लारा दत्त, बिपाशा बसु, ईशा देवल, बोमन ईरानी, सेलिन जेटली, समीर रेड्डी। संगीतकार हैं जो इसमें म्यूजिक दिया हुआ है अनु मलिक का, और इसकी जो रिलीज डेट थी वो थी 26 अगस्त 2004 को ये रिलीज हुई थी। देश था भारत और भाषा थी हिंदी। दोस्तों, इसकी स्टोरी के बारे में बात कर लेते हैं।
किशन यानी अनिल कपूर एक अमीर समाचार संपादक होता है जो अपनी पत्नी काजल यानी लारा दत्त से बहुत प्यार करते रहता है और उसे धोखा देने के बारे में सोच भी नहीं सकता। हालांकि उसकी पत्नी को हमेशा यह डर लगा रहता है कि उसके पद का किसी और औरत के साथ चक्कर तो नहीं चल रहा है। इस कारण वो अपने पद पर जरूरत से ज़्यादा शक करते रहती है। प्रेम यानी सलमान खान किशन का दोस्त है और उसका हाल किशन से बिल्कुल अलग है। उसकी पत्नी पूजा यानी ईशा देओल उस पर आँख मूंद कर विश्वास करते रहती है और उसकी कहीं हर बात को सच मानते रहती है, लेकिन वो उसे ही झूठ के अलावा कभी कुछ नहीं कहता और कई लड़कियों के साथ चक्कर चलाते रहता है। शेखर यानी फरदेव खान किशन के समाचार कंपनी में काम करता है और किशन के एहसानों के बीच पूरी तरह दबा हुआ है। इस कारण वो किशन को अपने बड़े भाई मानता है और उसके लिए कुछ भी करने को तैयार रहता है। किशन भी उसे अपने छोटे भाई के रूप में मानता है। उसके साथ कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं कि उसे और संजना यानी सेलिना जेटली को एक दूसरे से प्यार हो जाता है। इन सभी के जीवन में नया मोड़ तब आता है जब शेखर अपने कैमरे में प्रेम की उसकी कुछ प्रेमिकाओं के साथ फोटो ले लेता है और किशन उस फोटो को उसकी पत्नी को दिखाने की धमकी देता है। किसी तरह प्रेम उस कैमरे को उनसे दूर करने में सफल हो जाता है, पर वो इन सब में बचने के लिए बाबी यानी विपाशा बसु को पैसे देकर किशन को पटाने का काम देता है। प्रेम किसी तरह किशन को बाबी से मिलने के लिए तैयार कर लेता है। किशन को पता चलता है कि उसकी बीबी अजमेर जाने वाली है तो वो घर पर ही बाबे से मिलने का प्लान बना लेता है। काजल के घर से निकलने के बाद योजना के अनुसार बाबी उसके घर आ जाती है। वे दोनों आउट हाउस जहां शेखर रहता है में चले जाते हैं। उसकी बीबी अपना पासपोर्ट घर पर ही भूल जाती है और जब वो उसे लेने वापस जाती है तो अपने पति के साथ बाबी को देख कर शक करने लगती है। इस शक से बचने के लिए किशन बोल देता है कि बाबी असल में शेखर की पत्नी है। किशन के एहसानों से तबाह हुआ शेखर उसके झूठ में साथ देने को मजबूर हो जाता है। वही शेखर अपनी और संजना की शादी की बात करने के लिए अपने बड़े भाई के रूप में किशन को ले चलता है। इस दौरान बाबी के आ जाने के कारण संजना और उसके परिवार वालों के सामने किशन उसे अपनी पत्नी बता देता है। शेखर और संजना की शादी तय हो जाती है। शादी के काजल भी आती है और किशन को पता चलता है कि काजल और संजना दोस्त हैं। किसी तरह बीमारी का नाटक कर किशन उस जगह से बच जाता है और शेखर के साथ संजना की शादी भी हो जाती है। शादी के बाद शेखर और संजना जिस होटल में हनीमून मनाते रुकते हैं उसी होटल में किशन और काजल भी रुकने आ जाते हैं। परेशानी और भी बढ़ जाती है जब बाबी भी उसी होटल में रुकने आ जाती है। जब वे सब लोग एक साथ मिलते हैं तो किशन और शेखर का सारा झूठ सामने आ जाता है। संजना और काजल अपने पति से तलाक लेने का फैसला करती हैं। उसकी शादी को बचाने के लिए प्रेम आता है और कह देता है कि बाबी उसकी दूसरी पत्नी है। ये बात उसकी पत्नी पूजा भी सुन लेती है और इस तरह तीनों का एक जैसा हाल हो जाता है। प्रेम पहाड़ से कूद कर अपनी जान देने का नाटक करते रहता है, पर उसे रोकने की कोशिश करते हुए शेखर और उन दोनों को बचाने की कोशिश में किशन भी पहाड़ से लटक जाते हैं और गिरने की कगार पर आ जाते हैं। पूजा, काजल और संजना उन्हें गिरने से बचाने के लिए रस्सी देती है, लेकिन प्रेम पहले माफ़ करने को कहता है। उन सभी को माफ़ करने के बाद वे लोग रस्सी से ऊपर आ जाते हैं और कभी ऐसी गलती दोबारा न करने का फैसला करते हैं। अंत में दिखाया जाता है कि वे तीनों सुधरने का नाटक कर रहे हैं। अब चलिए बात करते हैं चरित्र के बारे में। सलमान खान इसमें प्रेम बने हुए हैं, अनिल कपूर किशन का रोल निभा रहे हैं, फरीदन खान शेखर का रोल निभा रहे हैं, ईशा देओल पूजा यानी प्रेम की पत्नी का रोल निभा रही हैं, लारा दत्त काजल यानी किशन की पत्नी का रोल निभा रही हैं और सेलिनी जेटली संजना यानी शेखर की पत्नी का रोल निभा रही हैं, विपाशा बसु बाबी का रोल निभा रही हैं, भुवन ईरानी मंत्री का रोल निभा रही हैं और समीरा रेड्डी बीच गर्ल यानी विशिष्ट उपस्थित का रोल निभा रही हैं। चलिए बात करते हैं संगीत के बारे में। इस चलचित्र के संगीतकार थे अनु मलिक। नो एंट्री इश्क की गली बीच सोनू निगम अली शाह चिनाय ने इसे गाया था। जस्ट लव मी मैं अकेला सोनू निगम ने इसे गाया था और इश्क में सुनिधि चौहान केके ने गाया था। वाई वाई
दिल चुरा के अलीसा चिनाय ने गाया था हार्ट हार्ट कलयुग की लीला। वंशुर दास, अलीसा चिनाय और सुनिधि चौहान ने गाया था कहाँ हो तुम। कुमार सानू और उदित नारायण ने गाया था दिल पागल है। अलका यगानिक, कुमार सानू, के मेरे जैसा कोई नहीं, अलीसा चिनाय, सुनिधि चौहान ने गाया था। तो चलिए बॉक्स ऑफिस के बारे में बात कर लेते हैं। यह चलचित्र बहुत पसंद किया गया और ये 2005 का सबसे सफल चलचित्र था। भारत में इसकी कुल कमाई 44 मिलियन रुपए थी। साल 2005 में रिलीज हुई सुपरहिट फिल्मों में से एक थी। अनिल कपूर, सलमान खान, बिपाशा बसु और फरीदन खान स्टारर नो एंट्री। सोमवार को इस फिल्म को रिलीज हुए 14 साल हो गए हैं। शाहरुख खान ने इस फिल्म के इस सीन का एक GIF अपने ट्विटर हैंडल पर शेयर किया है। सीन में अनिल कपूर फरीदन खान को पॉजिटिव रहने की बात समझाते नजर आ रहे हैं। वीडियो के साथ कैप्शन में अनिल कपूर ने लिखा, पॉजिटिव होना मेरे खून में है। नो एंट्री को 14 साल हो गए हैं। अनीज बजमी के निर्देशन में बनी इस फिल्म में लारा दत्त, ईशा देओल और सेलिना जेटली ने भी अहम किरदार निभाए थे। फिल्म के प्रोड्यूसर बोनी कपूर ने भी अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर फिल्म 14 साल होने पर पोस्ट की है। बोनी कपूर ने लिखा, साल 2005 की सबसे बड़ी हिट नो एंट्री आज अपनी 14वीं एनिवर्सरी मना रही है। जल्दी हम ज्यादा चुलबुली, ज्यादा नटखट और ज्यादा मनोरंजन वाली नो एंट्री 2 देखेंगे। शुक्रिया अनीस बजमी और प्रोजेक्ट से जुड़े सभी लोग। बता दें कि साल 2005 में रिलीज हुई फिल्म नो एंट्री के सीक्वल को लेकर पिछले काफी वक्त से बातचीत चल रही है। पहली फिल्म का निर्देशन कर चुके अनीस बजमी ही दूसरी फिल्म का निर्देशन करेंगे। कुछ रिपोर्ट में कहा गया है कि फिल्म के दूसरे पार्ट में अर्जुन कपूर नजर आएंगे। वहीं कुछ रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया है कि फिल्म में सलमान खान अहम किरदार निभाते नजर आएंगे। सोशल मीडिया पर तमाम तरह की बातें हैं, हालांकि कास्ट को लेकर आधिकारिक घोषणा अभी नहीं की गई है। जहां तक सलमान के फिल्म में होने की बात है तो सलमान फिलहाल दबंग 3, शेर खान और इंशा अल्लाह जैसे प्रोजेक्ट में बिजी हैं। साल 2005 की सुपरहिट फिल्म नो एंट्री की सीक्वल बनने को तैयार है, लेकिन हो सकता है इस फिल्म में सलमान खान नजर नहीं आए। फिल्म के निर्देशक अनीस बजमी ने कहा है कि हम चाहते हैं कि फिल्म में सलमान काम करें। उनके काम करने से फिल्म को हमेशा ही फायदा पहुंचता है। बजमी ने एक साक्षात्कार के दौरान कहा कि सलमान एक शानदार अभिनेता हैं, वो एक स्टार हैं, अलग वो इस फिल्म का हिस्सा बनते हैं तो वास्तव में बहुत अच्छा होगा, लेकिन अगर वो इसे नहीं करना चाहते तो फिल्म की कहानी के मुताबिक हम किसी दूसरे अभिनेता के बारे में विचार करेंगे। बता दें कि पिछली फिल्म नो एंट्री में सलमान के साथ अनिल कपूर, बिपाशा बसु, फरीदी खान और लारा दत्त, सैलिन जेटली, ईशा देओल और बोमन ईरानी मुख्य भूमिका में थे। गौरतलब की पिछली फिल्म में नो एंट्री में सलमान खान की छोटी सी भूमिका थी, लेकिन सलमान ने इस जिस तरह से अपने किरदार को निभाया था वह दर्शकों को काफी पसंद आया था। लेकिन अपनी व्यस्तता के कारण हो सकता है कि वह इसकी बन रही सीक्वल नो एंट्री में नजर नहीं आए। इस सुपरहिट फिल्म की कहानी के साथ फिल्म के निर्देशक पूरी तरह से तैयार हैं। उन्होंने पिछले साल एक मौके पर यह बताया था कि वो फिल्म की स्क्रिप्ट के साथ तैयार हैं और सलमान खान से डेट मिलने का इंतजार कर रहे हैं। फिलहाल फिल्म से जुड़ी अभी औपचारिक घोषणा नहीं की गई है। फिल्म के निर्देशक बोनी कपूर हैं। चर्चा है कि फिल्म से सलमान खान को रोल प्रेम अर्जुन को भी हटाया जा रहा है। खबरें ये भी हैं कि ये रोल अक्षय कुमार को भी ऑफर किया जा सकता है। फिलहाल फिल्म को लेकर चर्चा गर्म है। देखना दिलचस्प होगा कि फिल्म को लेकर क्या नया मोड़ आता है। श्रीदेवी के प्रोड्यूसर पद बोनी कपूर जल्द ही सलमान खान से मुलाकात करने वाले हैं और इस मुलाकात का मकसद है नो एंट्री के सीक्वल के लिए डेट्स फाइनल करना। दरअसल इस फिल्म के सीक्वल को लेकर पिछले काफ़ी समय से चर्चा हो रही है, मगर कब शूटिंग शुरू होगी इसके बारे में पूछे जाने पर बोनी कपूर ने जल्द ही सलमान से मुलाकात करने की बात स्वीकार की है। अश्वर्या जल्द मिलकर नो एंट्री के सीक्वल पर लेने वाले हैं फैसला। नो एंट्री सीक्वल की शूटिंग को लेकर पूछे गए सवाल पर बोनी ने कहा कि इसका सबसे अच्छा जवाब तो सलमान ही दे पाएंगे। उन्होंने कहा, मैंने उनके साथ इस बारे में पहले भी बातचीत की है, हम दोबारा मिलेंगे और फैसला करेंगे। मैं फिल्म माम में व्यस्त था, हम अगले कुछ सप्ताह में मिलेंगे और इस बारे में बातचीत करेंगे। आपको जानकर हैरानी होगी कि डायरेक्टर अनीस बजमी ने करीब 1.5 साल पहले सलमान को नो एंट्री के सीक्वल की कहानी सुनाई थी। सूत्रों के मुताबिक जब सलमान को कहानी सुनाई गई तो उन्हें यह पसंद आई। सलमान के अलावा अनिल कपूर और फरीद खान भी सीक्वल में दिखाई देंगे।
संजय लीला भंसाली की इंशाअल्लाह के बाद सलमान खान ने अब डायरेक्टर अनीस बज्मी की 14 साल पहले आई नो एंट्री के सीक्वल से अपने हाथ खींच लिए हैं। इस फिल्म को बोनी कपूर प्रोड्यूस कर रहे हैं। फिल्म से सलमान के अलग होने की पुष्टि बोनी के छोटे भाई अभिनेता अनिल कपूर ने दैनिक भास्कर से बातचीत की। अनिल कपूर ने साफ लफ्जों में कहा, हम लोग फिलहाल मेन लीड यानी प्रेम के लिए कलाकार ढूंढ रहे हैं। वह जिस दिन फाइनल हो जाएगा उसके बाद फिल्म शुरू हो जाएगी। सलमान यह फिल्म नहीं कर रहे हैं, यह क्लियर है। बाकी किरदारों के लिए भी कास्टिंग प्रेम तय होने के बाद होगी। बोनी के जिब में प्रेम की तलाश। अनिल कपूर के साथ साथ इस बारे में अनीस बज्मी ने भी मौजूदा डेवलपमेंट पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा, प्रेम को ढूंढने का काम बोनी कपूर साहब के जिम्मे है। मैं राइटर आदमी हूँ।